हेलो हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब दिस इज उर्वी एंड वेलकम टू अनदर वीडियो बाय पी डब्ल्यू स्किल्स आज जो है हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है लिंक लिस्ट लिंक लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि आज के लेक्चर में हम समझ रहे होंगे उसके जो बेसिक्स होते हैं वो समझ रहे होंगे एंड उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं कोड में सी प्लस प्लस में वो देख रहे होंगे ठीक है तो अगर लिंक लिस्ट का आपको कोई भी अभी तक आइडिया नहीं है तो दिस वीडियो विल हेल्प यू गेट स्टार्टेड विद दिस टॉपिक एंड क्लियर योर बेसिक्स फॉर इट तो लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा हमने ऊप्स के सारे जो कॉन्सेप्ट थे वो कवर कर लिए थे एंड uh, वो वीडियो आई वुड से इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस वीडियो क्योंकि यहाँ पे हम कुछ जो है ऊपस का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट्स जो है वो यूज़ कर रहे होंगे क्लासेस ऑब्जेक्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आना चाहिए तभी हम लिंकलिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो समझ पा रहे होंगे ठीक है एंड आज के जो चेकलिस्ट है हमारे उसमें काफ़ी सारे हमारे पास सब टॉपिक्स हैं लेकिन ये जो है लिस्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर है मेरा वन ऑफ दी मोस्ट फेवरेट डेटा स्ट्रक्चर्स है Uh, जिसको मुझे इम्प्लीमेंट करना सिखाना समझना बहुत अच्छा लगता है ना आई होप आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा शुरू में हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब लगे, बिकॉज दिस इज अ कम्प्लीटली न्यू थिंग फॉर यू बट आप इसको जो है जैसे जैसे यूज़ करेंगे समझेंगे आगे तो यू विल गेट यूज टू इट एंड दिस विल फील वेरी सिंपल एंड ईजी फॉर यू ठीक है So, what is linked list? Let's start there. Linked list, in simple terms, is a linear data structure. It is a linear data structure used to store a list of values. A list of values. अब शायद ये सुन के आपको याद आ रही होगी आरेस की क्योंकि एरेज भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे हम कुछ लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ स्टोर कर रहे थे तो अब आरेस और लिंक लिस्ट में डिफरेंस क्या है वो पहले हम समझते हैं तो एरेज की अगर मैं बात करूँ तो एरेज को हम ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं हम बोल सकते हैं कि एरेज सिंगल मेमरी ब्लॉक इज अंगलरी ब्लॉक विश्व जब हमने पढ़ा था समझा था तो हमने विजुअलाइज ऐसे ही किया था एरिस को कि एक ब्लॉक ऑफ मेमरी है जो की एलोकेटेड है हमारे आरए को एंड ब्लॉक ऑफ मेमरी विल है अगर हमारा आर ए फ है तो वो ब्लॉक ऑफ मेमरी विल हैव फाइव And वो जो ब्लॉक ऑफ मेमरी है उसका साइज भी उस हिसाब से होगा नाउ लिंक की अगर हम बात करें, तो लिंक लिस्ट को आप विजुअलाइज कर सकते हो कुछ ऐसे लिंक्ड टू ईच अदर लिंक्ड टू अदर। तो एरेज में एक सिंगल मेमोरी ब्लॉक के बारे में हम बात कर रहे थे जिसमें कुछ पार्टी होते हैं लिंक लिस्ट में आर मल्टीपल मेमोरी ब्लॉक्स जो कि एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं इसलिए इसको लिंक्ड लिस्ट कहा जाता है अब आपने विजुअलाइज कर लिया एरेज और लिंक लिस्ट को अब देखते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं जो कि एरेज जो है इम्पोज कर रहे थे जिसकी वजह से या जिन सिचुएशन में हमें लिंक लिस्ट जो है हम प्रेफर कर रहे होंगे तो वॉट आर दोज चैलेंजेस दैट आरे इज इम्पोज फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ स्टैटिक साइज या फिक्स्ड साइज तो आपको पता है कि जब भी हमें कोई आरे जो है वो डिफाइन करना होता है अपने कोड में जब भी हम मेमोरी एलोकेट करते हैं अपने आरे को तो वो एक हमें साइज जो है उसका स्पेसिफाई करना पड़ता है ठीक है अगर मैंने एक आरे एलोकेट कर दिया ऑफ साइज फिफ्टी तो लेटर ऑन मैं इस साइज को जो है इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकती क्योंकि इस साइज का आरे जो है मुझे अलोकेट हो चुका है अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि सपोज हमें जो है एक एरे बनाना है अब सपोज हमें एक एरे बनाना है विच स्टोर ऑफ ऑल ऑफ हु आर लर्निंग सी प्लस प्लस फ्रॉम ठीक है तो सपोज हमने जो है टू हंड्रेड के साइज की रे बना दी ठीक है टू स्टोर ऑल ऑफ स्टूडेंट्स बट हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन आई वो आई हमारे पास टू फिफ्टी के तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे इस आरे को जो है अबांडन करना पड़ेगा और एक नया आरे बनाना पड़ेगा ऑफ टू फिफ्टी के साइज में इसको एक्सपैंड नहीं कर सकती या फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टू फिफ्टी के जगह हमारे पास वन एटी के आ गई ठीक है तो जो ट्वेंटी के मेरी मेमोरी बच गई दैट इज वेस्टेड राइट मैं उसको आयरे के साइज को डिक्रीज भी नहीं कर सकती बाद में तो दिस इज वन ऑफ दी चैलेंज दैट आरे इज इम्पोज सेकेंड कंटिग्युअस मेमोरी एलोकेशन कंटिग्युअस मेमोरी एलोकेशन अब इसका मतलब क्या है सपोज मेरे आर्य को हंड्रेड बाइट्स ऑफ मेमरी चाहिए ठीक है अब मेमरी में जो है क्या है कि ट्वेंटी बाइट्स एक जगह प्रेजेंट है और एट्टी बाइट्स एक जगह प्रेजेंट है ठीक है बाकी सब जो है वो ऑक्यूपाइड है तो अब मेरे मेमरी में ऑल दो मेरे पास हंड्रेड बाइट्स प्रेजेंट है लेकिन मैं आर्य अपने हंड्रेड बाइट्स का आर यहाँ पे एलोकेट नहीं कर पाऊंगी क्यों क्योंकि एरेज नीड कंटिन्यूस मेमोरी ऑफ एलोकेशन एक सिंगल ब्लॉक होना चाहिए मेमोरी का जो कि हंड्रेड बाइट्स का अगर मुझे यहाँ पे चाहिए तो हंड्रेड बाइट्स का एक सिंगल ब्लॉक होना चाहिए ऐसे नहीं कि कहीं पे मैंने ट्वेंटी बाइट्स का ब्लॉक ले लिया और यहाँ पे मैंने एट्टी बाइट्स का ब्लॉक ले लिया ठीक है सो दिस इज वन अदर चैलेंज जिसकी वजह से इवन दो हमारे पास मेमोरी है लेकिन हम एलोकेट नहीं कर पा रहे अपने आरे को वो मेमरी बिकॉज दैट इज नॉट कंटिन्यूस नाउ थर्ड चैलेंज इज दैट इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग इज कॉस्टली इन आर ठीक है एंड दिस इज मोस्टली ऑर्डर ऑफ एन हम मानते हैं इसको इंसोशनल डिलीशन को मुझे इस पोजीशन पे फोर इंसर्ट करना है थ्री के बाद आई वॉन्ट टू इंसॉर्ट फोर तो मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे सबसे पहले तो एक मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी uh, तो मुझे क्या करना पड़ेगा सबसे पहले तो मुझे एक एरे जो है दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा ऑफ प्लस वन साइज ठीक है एंड देन उस एरे में मुझे यहाँ पे फोर थ्री के बाद फोर इंसर्ट करने के लिए पहले जो भी उस पोजीशन के बाद एलिमेंट्स है उनको एक एक पोजीशन से आगे शिफ्ट करना पड़ेगा राइट right, अगर मैं इनको आगे शिफ्ट कर दू फाइव सिक्स सेवन एंड देन आई बी एबल टू इंसर्ट फोर ह्योर राइट right. सिमिलरली अगर मुझे डिलीशन करना है अगर मुझे फोर जो है यहाँ पे डिलीट करना है तो मुझे क्या कर तो मुझे क्या करना पड़ेगा फोर डिलीट करने के बाद यहाँ से मुझे अपने सारे एलिमेंट्स को जो है जो फोर के बाद है उन्हीं के एक स्टेप से वापस पीछे लाना पड़ेगा राइट right. तो इंसर्शन एंड डिलीशन जो है वो एरे इसमें कॉस्टली माना जाता है क्योंकि उसके बाद के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हमें शिफ्ट करना पड़ता है आगे या पीछे एंड हो सकता है कि अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं तो हमें मेमोरी भी और उसको एलोकेट करनी पड़ रही हो या डिलीट कर रहे हैं तो हमारी कुछ मेमरी जो है वो वेस्ट हो रही हो सो दीजा दी चैलेंजेस एरे के अब देखते हैं कि लिंकलेस इन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम कर पाता है तो अब देखते हैं कि लिंक लिस्ट इन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम कर पाता है तो सबसे पहले लिंक लिस्ट के बारे में व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इस कि यहाँ पे हमारा डायनेमिक साइज एलोकेशन होती है ना कि स्टैटिक साइज एलोकेशन इसका मतलब कि वाइल क्रिएटिंग द साइज कि इस साइज का अगर आपने एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर रखी है एंड यू वॉन्ट टू इंक्रीज द साइज ऑफ योर लिस्ट तो आप इजीली जो है रन टाइम पे इसमें और जो है इसका एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं अपने लिंक लिस्ट में सिमिलरली अगर आपको रन टाइम पे इसका साइज़ जो है वो डिक्रीज करना है तो दैट आल्सो यू कैन डू इजीली बाय तो डाइनमिकली यू कैन रीसाइज योर लिंक लिस्ट सेकेंडली यहाँ पे नॉन कंटिग्युस मेमरी एलोकेशन हो रही होती है नॉन कंटिग्युस मेमरी एलोकेशन

ब्लॉक बी प्रेजेंट एट 1210 एंड सो ऑन एंड सोन ठीक है तो आप समझ रहे हैं कि जो भी हमारे मेमोरी ब्लॉक्स हैं लिंक लिस्ट में दे डोंट हैव टू बी प्रेजेंट इन अ कंटिन्यूस फैशन तो अगर मेरे पास 20 बाइट्स कहीं पे प्रेजेंट है 20 बाइट्स कहीं पे प्रेजेंट है और 20 30 बाइट्स कहीं और पे प्रेजेंट है तो मैं 70 बाइट्स ऑफ मेमोरी जो है अपने लिंक लिस्ट को एलोकेट कर सकती हूँ थर्ड पॉइंट इंसर्शन एंड डिलीशन इंसर्शन एंड डिलीशन इज नॉन एक्सपेंसिव जैसे कि हमने आरस में देखा आर एस में क्या हो रहा था कि हमें जो है जो भी पोजिशन पे इंसर्शन डिलीशन करना उसके बाद के एलिमेंट्स को हमें मूव करना पड़ रहा था वो हमें यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ये लिस्ट है एंड आई वॉन्ट टू इंसर्ट एन एलिमेंट हियर तो मुझे बस ये जो लिंक है सिर्फ ये चेंज करनी पड़ेगी आई हैव टू रिमूव एंड ज्वाइन दीज टू लिंक्स राइट तो दिस वे ऑल बी एबल टू इंसर्ट एन एलिमेंट सिमिलरली अगर मुझे ये वाला जो ब्लॉक ऑफ मेमोरी है ये हटाना है अपनी लिंक लिस्ट में से तो मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे अगेन सिर्फ जो लिंकिंग है वो चेंज करनी पड़ेगी इस ब्लॉक ऑफ मेमोरी को इस ब्लॉक ऑफ मेमोरी को मैं डायरेक्टली लिंक कर दूंगी टू दिस ब्लॉक ऑफ मेमोरी राइट तो क्या होगा कि हमारा दिस विल बी रिमूव्ड फ्रॉम माय लिंक लिस्ट ठीक है तो दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ लिंक ओवर एन आर एंड दीज़ आर समी सिचुएशंस जहाँ पे हम लिंक लिस्ट प्रेफर कर रहे होंगे ओवर आर जब भी हमें कोई लीनर डेटा स्ट्रक्चर चाहिए टू स्टोर लिस्ट ऑफ वैल्यूज अब आते हैं अपने लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन पे कि हाउ डज़ इट लुक वाइल्ड इम्प्लीमेंटिंग तो जो भी अभी तक हम बात कर रहे थे ब्लॉक्स ऑफ मेमरी की ठीक है मैंने आपको बोला लिंक लिस्ट में वी हैव मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी विच आर लिंक टू इच अदर तो दिस ब्लॉक ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड अ नोड और अ लिस्ट नोड नाउ दिस लिस्ट नोड विल हैव टू पार्ट्स विल हैव टू पार्ट्स वन पार्ट विल बी द डेटा और वैल्यू दैट इट इज स्टोरिंग दिस नोड

कुछ जो है हमारी वैल्यू होगी एंड सपोज ये मेरे हंड्रेड एड्रेस पे प्रेजेंट है अब अगर मेरा लिंक जो जो है मेरे में एड्रेस तो मेरा जो फर्स्ट नोड है दिस इसके जो नेक्स्ट वाला पार्ट है यहाँ पे एड्रेस होगा टू हंड्रेड समझ में आया हर नोड जो है विल हैव टू पार्ट्स वन विल बी द डेटा वि जो भी हम वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं अपने नोट में एंड सेकेंड पार्ट विल बी नेक्स्ट दिस नेक्स्ट पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट नोड इन माई लिंक लिस्ट ठीक है ये एक लिंक लिस्ट है इसमें दिस इज माई फर्स्ट नोड एंड दिस इज माई सेकेंड नोड ठीक है तो सेकेंड नोड का जो भी एड्रेस होगा दैट विल बी स्टोर इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ माई फर्स्ट नोड सिमिलरली अगर हमारे पास एक और नोड है मेरी लिंक लिस्ट में विच इज एट एड्रेस थ्री हंड्रेड तो जो मेरा सेकेंड नोड है उसके नेक्स्ट फील्ड में आई विल स्टोर ऑफ द नेक्स्ट नोड विच इज थ्री हंड्रेड ठीक है एंड सो ऑन एंड जो फर्स्ट पार्ट होगी वहां पे हम कुछ वैल्यू जो है वो स्टोर कर रहे होंगे अब ये जो लिस्ट है मेरी हाउ डू वी नो कि ये शुरू कहाँ हो रही है और ख़त्म कहाँ हो रही है ये हमें पता चल गया कि ये जो लिस्ट नोड्स हैं मेरे लिस्ट में दीज आर कनेक्टेड ठीक है हर एक नोड जो है अपने नेक्स्ट नोड से कनेक्टेड है हर एक नोड अपने नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है ठीक है अगर मुझे इस नोड से इस नोड तक पहुंचना है तो मैं डायरेक्टली नहीं पहुंच सकती पहले मुझे इस नोड से इस नोड तक पहुंचना पड़ेगा फिर इस नोट से मैं इस नोट तक पहुंच सकती ठीक है तो अब ये जो लिस्ट है ये मुझे पता कैसे चलेगी कि ये लिस्ट स्टार्ट कहाँ से हो रही है उसके लिए हम एक पॉइंटर रखते हैं विच इज नोन एज हेड पॉइंटर पॉइंट टू द फर्स्ट नोट ऑफ my लिंक लिस्ट ठीक है तो अगर मुझे कहीं पर लिंक लिस्ट जो है पास करनी है किसी भी फंक्शन में तो मैं जो है सिर्फ हेड नोड जो है वो पास करूंगी दैट हेड नोड विल गिव मी द लिंक लिस्ट बिकॉज हेड नोड जो है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट uh, कर रहा होगा फर्स्ट नोड जो है वो सेकेंड नोड को पॉइंट कर रहा होगा सेकेंड नोड जो है वो थर्ड नोड नोड को पॉइंट कर रहा होगा एंड सो ऑन ठीक है तो अगर कहीं पे भी हमें लिंक लिस्ट पास करनी है अपने कोड में तो हम जो है उसका सिर्फ जो हेड पॉइंटर है वो हम पास करेंगे तो दैट विल बी सफिशेंट एंड ये लिंकलेस खत्म कहाँ हो रही है ये हमें कैसे पता चलता है जो भी हमारा लास्ट नोड होगा हमारे लिंकलेस का सपोज दिस इज माई लास्ट नोड तो इसके जो नेक्स्ट वाली फील्ड है उसमें आई बी स्टोरिंग उसमें आई बी स्टोरिंग नल ठीक है तो जैसे ही मुझे कोई नोड मिलता है जिसके नेक्स्ट फील्ड में नल प्रेजेंट है तो दैट मीन्स दैट इज माई लास्ट नोड ऑफ माई जिसको टेल नोड भी बोला जाता है ठीक है सो दिस इज हाउ आई विल नो वेयर माई लिंकलिस्ट स्टार्ट एंड वेयर माई लिंक लिस्ट एंडस नाउ लिंकलिस्ट में वी हैव टाइप्स अभी तक जो हमने देखी है वो है सिंगली लिंक लिस्ट एंड जब भी हम लिंक लिस्ट बोलते हैं सिर्फ तो हम सिंगली लिस्ट के बारे में ही बात कर रहे होते हैं जहां पे हमारा एवरी नोड एवरी नोड पॉइंट्स टू इट्स सक्सेसर सक्सेसर नोड, नोड, जो भी उसका नेक्स्ट नोड है लिस्ट में देन देर इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ लिंक विच इज नोन एज डबली लिंक यहाँ पे एवरी नोड इज कनेक्टेड टू इट्स प्रीवियस एंड जब हम सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में बात कर रहे थे तो यहाँ पे एवरी नोड वॉज कनेक्टेड टू या आई कैन से इट वॉज पॉइंटिंग टू सक्सेसर नोड विच इज नेक्स्ट नोड। बट डबली लिंक लिस्ट में लिंक लिस्ट में हर एक नोड विल तो नोड विल आल्सो बी कनेक्टेड टू इट्स प्रीवियस ठीक है तो हम किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं हम सीधा भी जा सकते हैं पीछे रिवर्स डायरेक्शन में भी जा सकते हैं सिंगली लिंक लिस्ट में हम सिर्फ फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं क्योंकि एवरी नोट जस्ट पॉइंट्स टू द नेक्स्ट नोट उस नोड को जो करंट नोड है उसको ये नहीं पता कि उससे पहले कौन सा नोड आ रहा है उसको बस ये पता है कि उसके बाद वाला कौन सा नोड है इन सिंगली लिंक लिस्ट लेकिन डबली लिंक लिस्ट में इट विल नो कि उसके बाद वाला भी कौन सा नोड है एंड उससे प्रीवियस वाला भी कौन सा नोड है देन देर इज ऑल्सो अ थर्ड टाइप ऑफ लिंक लिस्ट विच इज सर्कुलर लिंक लिस्ट सर्कुलर लिंक लिस्ट यहां पे क्या स्पेशल होता है कि द लास्ट नोड द लास्ट नोड विल पॉइंट टू हेड नोड तो मेरी लिंक लिस्ट जो होगी मेरी लिंक लिस्ट जो होगी वहां पे एवरी नोड विल बी पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट नोड बट जो मेरा लास्ट नोड होगा दैट विल बी पॉइंटिंग टू माई फर्स्ट नोट विच इज दूट ठीक है तो ये एक सर्कल बन गया इसलिए इसको सर्कुलर कह, लिंक कहा जाता है तो अभी के लिए हम सब सिंगली लिंक पर फोकस करेंगे उस पर काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फिर हम डबली लिंकलेस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट की भी इंप्लीमेंटेशन देख रहे होंगे इन दी फर्दर क्लासेस फॉर नाउ फोकस ऑन सिंगली लिंक लिस्ट तो अगर मुझे कोड में कोई लिस्ट नोट जो है वो क्रिएट करना है तो सबसे पहले मैं आपको बता ये जो लिस्ट नोड है दिस इज नॉट अ बिल्ट इन टाइप ठीक है जैसे कि हम इंटीजर कैरेक्टर बुलियन डेटा टाइप्स देखते हैं दीज आर बिल्ट इन डेटा टाइप्स ये जो लिस्ट नोड है दिस इज नॉट अ बिल्ट इन डेटा टाइप विल बी डिफाइनिंग दिस ठीक है तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ठीक है तो यहाँ पे हम एक क्लास डिफाइन कर रहे होंगे नोड है। इस क्लास के फिर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना पा रहे होंगे इस क्लास में हमारी दो प्रॉपर्टीज हैं क्या एक तो हमारी वैल्यू होगी int, val, हमारा नेक्स्ट पॉइंटर होगा नाउ जो नेक्स्ट फील्ड है वो मैंने आपको बताया इट इज अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड ठीक है तो पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड तो इसका टाइप क्या होगा नोड स्टार ठीक है दिस इज अ नोड स्टार पॉइंटर नेक्स्ट ठीक है अब इस नोड के जो है मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बी एबल टू क्रिएट इन माय कोड एंड यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये वैल्यू जो है ये इंटरी होगी यहाँ पे हम कोई भी जो है जो हमारी वैल्यू है वो कोई भी डेटा टाइप की हो सकती है चाहे वो स्ट्रिंग हो चाहे वो बुलियन हो या फिर इवन इट कैन बी एन ऑब्जेक्ट ठीक है कि हमने सपोज कोई और ऑब्जेक्ट जो है वो डिफाइन कर रखा है सपोज फ्रूट एंड एंड वी वॉन्ट टू स्टोर दैट वैल्यू इन माई नोट तो यहाँ पे द डेटा टाइप कैन इवन बी सम ऑब्जेक्ट तो लेट्स सी दिस इन कोड अगर मुझे एक नोट लिस्ट नोड जो है डिफाइन करना है तो आई विल मेक अ क्लास नोड एंड यहाँ पे जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो आई वॉन्ट टू मेक दम पब्लिक दिस विल हैव टू प्रॉपर्टीज सम वैल्यू एंड नोड स्टार नेक्स्ट विच इज अ नोड अंट टू द नेक्स्ट नोड इन माई लिंक लिस्ट ठीक है एंड यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन कर सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास जहाँ पे अगर मैं कोई डेटा जो है वो पास कर रही हूँ तो मेरी नोड की वैल्यू फील्ड में वो डेटा स्टोर हो जाएगा एंड जो मेरा नेक्स्ट पॉइंटर है उसमें मैं नल स्टोर कर लूँगी तो अब अगर मुझे कोई नोड ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो आई कैन से नोड स्टार एन इज़ इक्वल टू न्यू नोड एंड हियर आई कैन पास सम वैल्यू ठीक है सपोज मैंने वन वैल्यू पास करी दिस विल क्रिएट अ नोड फॉर मी जहां पे जो डे वैल्यू फील्ड है उसमें वन स्टोर हो जाएगा एंड नेक्स्ट में स्टोर हो जाएगा नल ठीक है वी कैन ऑल्सो प्रिंट दिस आउट तो एन वैल्यू एंड एन नेक्स्ट, सो यहाँ पे जो वैल्यू है उसमें वन जो है वो प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमने वन से करी है वैल्यू को एंड जो मेरा नेक्स्ट है उसमें प्रिंट हो रहा है जीरो एक जीरो विच इज दी एड्रेस फॉर नाल ठीक है क्योंकि आ, जो भी मेरा नेक्स्ट फील्ड है उसमें मैंने नाल जो है वो स्टोर किया है नल पॉइंटर तो यहाँ पे उसका जो एड्रेस है जीरो दैट इज गेटिंग प्रिंटेड ठीक है नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी कि सिंगली लिंक लिस्ट में हम ट्रावर्सल कैसे कर रहे होंगे नाउ आर एस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ट्रावर्सल करना जो है वो ईजी था क्योंकि हम वहाँ पे इंडेक्सिंग कर पा रहे थे राइट right? कोई भी अगर मेरा आर ए है तो अगर मुझे सेकेंड इंडेक्स पे कोई एलिमेंट चाहिए तो आई कैन ईजिली गेट दैट Using indexing. Link list में हम जो है इंडेक्सिंग नहीं कर रहे होते तो वहां पर हम अपने लिस्ट को कैसे ट्रेवर्स कर पा रहे होंगे ऑफ नोट राइट एंड दिस लास्ट नोट इज पॉइंटिंग टू नब यहां पर हमें जो है हेड पॉइंटर दे रखा होगा हेड पॉइंटर इज द पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड ऑफ माई लिंकलेट तो अगर मुझे इस लिस्ट को फर्स्ट नोड से लास्ट नोड तक ट्रावर्स करना है तो उसके लिए आई हैव टू क्रिएट अ पॉइंटर ठीक है एक टेम्प पॉइंटर विच विल बी यूज टू ट्रावर्स माई लिंकलेट अब आप बोलोगे कि हम हेड पॉइंटर को ही क्यों नहीं यूज कर लेते क्योंकि हेड पॉइंटर को अगर मैंने मूव कर दिया तो आई विल लूज की मेरा फर्स्ट नोड कहाँ है तो हेड पॉइंटर को हम चेंज नहीं करेंगे हेड पॉइंटर को हमेशा जो है वो फर्स्ट नोड पे ही पॉइंट करने देंगे अगर हमें ट्रावर्सल के लिए एक पॉइंटर चाहिए हम एक नया पॉइंटर उसके लिए क्रिएट कर लेंगे हमने क्रिएट कर लिया यहाँ पे टेंट पॉइंटर ठीक है जो कि स्टार्ट होगा फ्रॉम माई हेड पॉइंटर नाउ दिस पॉइंटर की हेल्प से आई बी एबल टू ट्रावर्स माई लिस्ट कैसे इफ आई वॉन्ट टू मूव टू द नेक्स्ट नोड यहाँ पर ठीक है तो दिस नेक्स्ट नोड जो है दिस विल बी टेम्प जो मेरा करंट टेम्प है उसका नेक्स्ट राइट बिकॉज़ टेम्प जो पॉइंटर जो अभी नोड को पॉइंट कर रहा है इसमें इसमें एक फील्ड होगी नेक्स्ट राइट व्हिच विल हैव द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड तो नेक्स्ट नोड कौन सा हमारा ये सो दिस इज माय टेम्प का नेक्स्ट तो अगर मुझे अपना टेम्प पॉइंटर जो है वो आगे बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगी सिंपली आई विल से टेम्प को इक्वल कर दो टेम्प के नेक्स्ट से ठीक है तो क्या होगा मेरा टेम्प जो है अब वो यहां आ जाएगा अब मेरा टेम्प का नेक्स्ट क्या होगा Now, का नेक्स्ट विल बी दिस एंड इफ आई आई कीप डूंग दिस टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट राइट तो आई एल बी एबल टू एक्सेस माई लिंक लिस्ट सॉरी ट्रेवर्स माई लिंक लिस्ट कम्प्लीटली एंड मैं यहाँ पे एक स्टॉपिंग स्टॉपिंग कंडीशन जो है वो लगा सकती हूँ लास्ट नोट मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं लास्ट नोड पर पहुँच गई हूँ जैसे ही मेरा टेम्प जो है वो लास्ट नोट पर आएगा तो मेरा टेम्प का नेक्स्ट जो होगा दैट विल बिकम नल ठीक है तो अगर मुझे लास्ट नोट तक जाना है तो आई विल से कि तब तक ट्रावर्स करते रहो जब तक टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता या फिर अगर मुझे एकदम नल तक जाना है टू द एंड ऑफ माय लिस्ट तो वहाँ पे आई कैन मेक अ कंडीशन कि जब तक मेरा टेम्प नल नहीं हो जाता तब तक मैं अपने आ, लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करती रहूँगी ठीक है तो इसको अभी हम कोड में भी देखेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा बट यहाँ पे समझने वाली क्या बात है दो बातें कि एक तो हम एक नया पॉइंटर बना लेंगे टेम्प विच विल बी यूज टू एक्स ट्रावर्स माई लिंक लिस्ट हेड पॉइंटर को हम मूव नहीं करेंगे एंड जो भी मेरा टेम्प पॉइंटर होगा उसका नेक्स्ट वाला नोड जो होगा दैट विल बी टेम्प का नेक्स्ट तो टेम्प तो पॉइंटर को आगे बढ़ाने के लिए आई विल से टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट सो सपोज आई हैव

इसके नेक्स्ट में होना चाहिए जो अभी मेरा करंट हेड नोड है ठीक है तो दिस इज माय न्यू नोड न्यू नोड के नेक्स्ट में टू माय न्यू नोड तो अब क्या हुआ मैंने अपने लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग में अपना न्यू नोड को इंसर्ट कर दिया ठीक है तो हमने दो चीजें करी है यहाँ पे जो मेरा न्यू नोड है उसके नेक्स्ट में आ जाएगा जो भी करंटली मेरे लिस्ट का फर्स्ट नोड है जो कि मुझे हेड पॉइंटर दे देगा एंड मैंने हेड पॉइंटर को मूव कर दिया टू दिस न्यू नोड इसको अब देखते हैं कोड में तो यहां हम एक फंक्शन बना लेंगे इंसर्ट एट हेड जहाँ पे सबसे पहले हमें लिंकलेस्ट जो है वो दे रखी होगी जिसके हेड में हमें इंसर्ट करना है एलिमेंट वो लिंकलेस्ट हम कैसे पास करेंगे वो मैंने आपको बताया यूजिंग हेड पॉइंटर अगर हमें किसी का हेड पॉइंटर दे रखा है तो विल बी एबल टू एक्सेस ऑल दी नोड्स इन दैट लिंक लिस्ट तो हमें यहाँ पर जो है हैड uh, मिल रहा होगा एंड दैट विल बी नोड स्टार ऑफ टाइप नोड स्टार ठीक है बिकॉज इट्स अ पॉइंटर टू अ नोड एंड यहाँ पे हम पास बाय रेफरेंस ले रहे हैं क्योंकि हमें इस लिंक्ड लिस्ट में चेंजेस करने हैं एंड इस फंक्शन में हमें क्या पास हो रहा होगा इस फंक्शन में हमें ये भी मिल रहा होगा कि व्हाट वैल्यू वी वांट टू इंसर्ट ठीक है एट हेड तो वील बी गिवन सम वैल्यू एंड एंड हमारे फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे एक न्यू नोड जो है वो क्रिएट कर लेंगे नोट स्टार न्यू नोड जहां पे हम वैल्यू जो है वो पास कर देंगे अब दिस नोड हैज दिस वैल्यू एंड इट इज इसकी जो नेक्स्ट फील्ड होगी उसमें क्या होगा नल तो इट विल बी पॉइंटिंग टू नल अब इस नोड को न्यू नोड को हमें पॉइंट करवाना है टू द फर्स्ट नोड ऑफ माय करंट लिंक लिस्ट ठीक है तो न्यू नोड के नेक्स्ट में मुझे क्या डालना है जो मेरा करंट लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड है एंड वो मुझे कैसे मिलेगा यूजिंग हेड पॉइंटर ठीक है तो अब मेरा नया नोड बन गया जो कि मेरे लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड को जो है पॉइंट कर रहा है अब मुझे क्या चेंज करना है अपना हेड पॉइंटर हेड पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टू माय न्यू नोड ठीक है जिससे आई बी एबल टू इंसर्ट जिससे मुझे पता चल जाएगा कि ठीक है मेरी लिंक लिस्ट जो है वो यहां से नहीं जो पहले था वहाँ से नहीं बल्कि जो न्यू नोड है वहाँ से स्टार्ट हो रही है राइट right? तो तो दिस इज हाउ आई बी एबल टू इंसर्ट अ नोड एट स्टार्टिंग ऑफ अ लिंक लिस्ट ठीक है और इस लिंक लिस्ट को प्रिंट करने के लिए भी हम एक फंक्शन लिख लेते हैं वाइड डिस्प्ले ठीक है जहाँ पे अगेन हम अपनी लिंक लिस्ट को पास करेंगे कैसे उसका हेड पास करके और यहाँ पे हमें पास बाय वैल्यू करने की रेफरेंस करने की ज़रूरत नहीं है वी कैन पास बाय वैल्यू क्योंकि तो हम अपनी लिंक लिस्ट में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं हम बस उसकी वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहे होंगे अब इसको कैसे जो है हम अपने लिंक लिस्ट की वैल्यूज़ को प्रिंट करेंगे उसके लिए हम ट्रावर हमें ट्रेवर्स करना पड़ेगा अपनी पूरी लिंक लिस्ट को एंड ट्रवर्सल के लिए मैंने आपको बताया सबसे पहले हम क्या करेंगे वी विल क्रिएट अ टेम्प पॉइंटर ठीक है जो कि हेड पॉइंटर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ नोट स्टार टेम्प मैंने बनाया एक नया पॉइंटर टेम्प पॉइंटर नाउ ये जो टैंप पॉइंटर है इसको मैं पूरा आई कैन यूज़ दिस टू ट्रेवर्स माई इंटायर लिंक लिस्ट कैसे आई कैन हैव अ वाइल्ड लू कि जब तक मेरा टेम्प पॉइंटर जो है वो नल नहीं पहुँच जाता है वो नल नहीं रीच कर पाता नल कब वो पहुँचेगा जब वो अब मेरी लिंक लिस्ट के सारे नोड्स को ट्रावर्स कर चुका है तब लास्ट में इट विल रीच नाइन ठीक है तब तक मैं अपने टेम्प पॉइंटर को नेक्स्ट नोड पे मूव करने के लिए क्या करूँगी आई विल से टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट से आई बी एबल टू मूव माई टेम्प्ररी पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड एंड ये करने से पहले वॉट आई डू इज आई प्रिंट माय जो भी करंट नोड है जिसको मेरा टेम पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू उसकी वैल्यू एंड जैसे ही मेरी वाइल्ड कंडीशन जो है वो ट्रू होगी तो मतलब कि मेरे सारे नोड जो हैं वो लिंकलिस के ट्रैवर्स हो चुके हैं तो आई विल कम आउट ऑफ दिस लूप एंड देन आई कैन प्रिंट की लास्ट में हमारा लास्ट जो मेरा न, न, नोड होगा विल पॉइंटिंग टू नल राइट सो अब अगर हम एक लिंक लिस्ट क्रिएट करने की कोशिश करें तो सबसे पहले मैं एक एम टी लिंक स्टार्ट करती हूँ एम टी लिंकलिस्ट में क्या होगा बी नो नोड मेरा जो हेड हैल ठीक है तो हमने एक पॉइंटर बनाया नोट स्टार हेड विच इनिशियली जिसकी वैल्यू है नाल ठीक है विच इज पॉइंटिंग टू नाल नाउ आई कैन इंसर्ट सम वैल्यू टू ठीक है एंड वी कैन सी हमारी लिंकलिस्ट जो है वो यहाँ पे क्या आएगी आई कैन इंसर्ट सम वैल्यू अगेन वन ठीक है एंड देन अगेन वी कैन चेक की वॉट इज आर लिंकलिस्ट ओके so यहाँ okay, पे इन सर्ट आर्ट हेड में हमें अपना हेड पॉइंटर हम पास करना भूल गए सो इनिशियली जब मैंने बोला इन्सर्ट आर्ट हेड मेरा एक नया एक नया नोड जो है वो क्रिएट हो गया विच विल हैव वैल्यू टू जो कि मेरे लिंक लिस्ट में अभी प्रेजेंट होगा तो मेरी लिंक लिस्ट जो है वो कुछ ऐसी दिख रही होगी देन मैंने जब किया इंसर्ट एट हेड एक और बारी तो वन एक और नया नोड विच विल हैव वैल्यू वन विल गेट इंसर्टेड एट दी हेड ऑफ माई लिंक लिस्ट ठीक है तो मेरी लिंक लिस्ट फिर क्या हो जाएगी ये हो जाएगी ठीक है सो नाउ वी हैव डन की अगर मुझे हेड में इंसर्ट करना है कोई नोट स्टार्टिंग में इंसर्ट करना है तो वो मैं कैसे करूंगी तो यहाँ पे हमने देख लिया कि लिंक लिस्ट के हेड पे अगर मुझे कोई नोट इंसर्ट करना है, तो हाउ कैन आई डू दैट इसके अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो दैट विल बी ओ ऑफ वन कॉन्स्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें यहाँ पे हम कुछ भी हमें ट्रावर्स नहीं करना पा पड़ रहा है कि नहीं नोट्स को जो है मूव नहीं करना पड़ रहा है इधर उधर टू इंसर्ट एन एलिमेंट एट हेड तो हम बोल सकते हैं कि इंसर्शन एट

ठीक है तो सबसे पहले मुझे तो यहाँ पर हेड पॉइंटर दे रखा होगा ठीक है जो कि स्टार्ट ऑफ माई लिंक लिस्ट होगा अब सबसे पहले मुझे जो है लास्ट नोड तक पहुँचना पड़ेगा जो मेरा लास्ट नोड है तभी मैं उसके बाद जो है नया नोड इंसर्ट करवाऊँगी तो उसके लिए हमें ट्रैवर्स करेंगे हम अपने लिंक लिस्ट को यूजिंग अ टेम्प पॉइंटर

तो अब मैं अपने लास्ट नोड तक पहुंच गई लिस्ट के अब ये लास्ट नोड के आगे मुझे इंसर्ट करना है अपना न्यू नोड। तो इसके नेक्स्ट में आई विल इंसर्ट माई न्यू नोड इसके नेक्स्ट में आई विल इसका नेक्स्ट जो पॉइंटर होगा दैट इट पॉइंट टू द न्यू नोड एंड मेरा ये जो न्यू नोड होगा दैट विल पॉइंट टू नल ठीक है सो आई बी एबल टू इंसर्ट

क्रिएट कर लेते हैं न्यू नोड एंड अब हमें क्या करना है हमें जो है अपने का लास्ट नोड तक पहुंचना है तो उसके लिए लेट्स क्रिएट अ टेम्प्री पॉइंटर जो कि स्टार्ट हो रहा होगा हेड पॉइंटर से एंड इस पॉइंटर को एंड तक पहुंचाने के लिए मुझे जो है एक लूप लगाना पड़ेगा कि की टेम्प का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल तब तक आप टेम्प पॉइंटर को आगे बढ़ाते रहिए ठीक है जैसे ही टेम्प का नेक्स्ट जो है वो नल हो जाएगा मतलब कि आई हैव लास्ट अब इसके बाद मुझे क्या करना है आई हैव हैीच माई लास्ट नोड जो कि टेम्प पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है तो टेम्प के नेक्स्ट में जो टेम्प के नेक्स्ट है उसमें आई विल पुट माय न्यू नोट तो यहां पर टेम्प हैज रीच लास्ट नोट एंड देन लास्ट नोट के नेक्स्ट में आई विल पुट माय न्यू नोट आई विल मेक इट पॉइंट द न्यू नोट एंड मेरा जो न्यू नोड है उसके नेक्स्ट में ऑलरेडी वैल्यू जो है वो नल ही होगी क्योंकि हमने जो कंस्ट्रक्टर बनाया है नोड का उसमें नेक्स्ट की वैल्यू बाय डिफॉल्ट नल ही होती है राइट right? तो माय न्यू नोड विल हैव नल वैल्यू ओनली और मुझे कुछ करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है तो लेट्स रन दिस लेट्स ट्राई दिस आउट सॉरी तो लेट्स इंसर्ट एट टेल वैल्यू थ्री राइट एंड लेट्स सी

I will take O of n time. I will take O of n time. अगर n nodes हैं मेरे linked list में so यहाँ पर time complexity for insertion at the end will become O of n. लेकिन in some cases we are also given a tail pointer. जैसे कि जैसे हमने बात करी थी यहाँ पे head pointer की ऐसे इन सम केसेस इन लिंक लिस्ट वी आर आल्सो गिवन टेल पॉइंटर व्हिच इज पॉइंटिंग टू द एंड नोड या द लास्ट नोड ऑफ माय लिंक लिस्ट अगर मुझे टेल पॉइंटर ऑलरेडी गिवन है मेरे फंक्शन में मुझे पास्ट है तो उस केस में मेरे को ये ट्रावर्सल नहीं करना पड़ेगा अपने लिंक लिस्ट के एंड तक तो उस केस में मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी ओ ऑफ वन तो ओ ऑफ वन कब होगी जब हमें टेल पॉइंटर मिल रहा हो अगर हमें टेल पॉइंटर नहीं मिल रहा है तो हमें जो टेल नोड है हमारा लास्ट नोड वहां तक पहुंचने में वी विल टेक ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब लेट्स से अगर मुझे किसी आर्बिट्री पोजिशन पे अपने नोड को इंसर्ट करना है तो वो कैसे हो रहा होगा इन अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट सो सपोज आई हैव दिस लिंक लिस्ट विच हैज फोर नोड्स

ठीक है अब अगर पोजीशन जो है वो टू गिवन है तो मुझे यहाँ पे चेंज क्या करना होगा टू इंसर्ट दिस मुझे चेंज क्या करना होगा कि मुझे ये वाला जो नोड है विच इज पोजिशन माइनस वन पे जो प्रेजेंट है उस नोड को पॉइंट करवाना पड़ेगा टू माई न्यू नोड एंड ये जो मेरा न्यू नोड है इसको पॉइंट करवाना पड़ेगा टू द नोड विच इज़ एट पोजिशन ठीक है जो कि मुझे गिवन है तो मुझे सबसे पहले जो है वो ट्रावर्स करना पड़ेगा टिल पोजीशन माइनस वन तो आई विल हैव अ टेम्प्रेरी पॉइंटर ठीक है जिसको मैं ट्रावर्स करवा लूँगी टिल पोजीशन माइनस वन फिर फिर इस नोड को जो कि मेरा टेम्प्रेरी पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में मुझे डालना है अपना न्यू नोड लेकिन पहले मैं ये नहीं करूँगी अगर मैंने ये लिंकिंग जो है चेंज कर दी यहाँ से इसके नेक्स्ट को चेंज करके यहाँ पे डाल दिया तो आई विल लूज़ एक्सेस टू दिस नोड राइट अब मैं इस नोड को कहीं से भी एक्सेस नहीं कर सकती तो ये मैं पहले नहीं करूँगी मैं पहले क्या करूँगी जो मेरा न्यू नोड है आई विल मेक इट पॉइंट टू द नोड जो कि पोजिशन पर है वो मेरे को कैसे मिलेगा जो भी मेरा टेम्प्रेरी का नेक्स्ट होगा ठीक है सो दिस इज़

सो लेट्स क्रिएट अ फंक्शन इंसर्ट एट position ठीक है जहाँ पे हमें अपनी लिंक लिस्ट मिल रही होगी हमें एक वैल्यू मिल रही होगी और हमें मिल रहा होगा कि किस पोजिशन पे हमें अपने नए नोट को इंसर्ट करना है एंड यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं सबसे पहले कि अगर मेरी पोजिशन जो है वो ज़ीरो है पोजिशन जीरो तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब तो हो गया कि मुझे इंसर्ट एट हेड करना है ठीक है बिकॉज जीरो पोजिशन मतलब कि मेरे को अपने लिंकलिस्ट के स्टार्टिंग में एक नोड इंसर्ट करना है तो आई कैन कॉल माई इंसर्ट एट हेड फंक्शन जहां पे मेरा लिंक लिस्ट का हेड एंड वैल्यू पास हो रहा होगा एंड देन आई कैन जस्ट से रिटर्न फ्रॉम हियर नाउ इफ द पोजीशन इज नॉट जीरो देन व्हाट वी नीड टू डू सबसे पहले हमें पोजिशन माइनस वन तक जाना पड़ेगा ट्रैवर्स करना पड़ेगा तो उसके लिए हम एक पॉइंटर बना लेते हैं नोड स्टार टेम जो कि स्टार्ट हो रहा होगा हेड से ठीक है एंड हम एक पोजिशन को ट्रैक करने के लिए भी वेरिएबल बना लेते हैं करंट पोजिशन करंट पोजिशन ठीक है जो कि हम स्टार्ट करेंगे जीरो से अब जब तक मेरी करंट पोजीशन इज नॉट इक्वल टू पोजीशन माइनस वन तब तक मैं क्या करूंगी मेरा टेम्प पॉइंटर को एक स्टेप से आगे बढ़ाती रहूंगी आई विल मूव इट टू द नेक्स्ट नूट एंड देन आई कैन से करंट पोजीशन को प्लस प्लस कर दो ठीक है तो मैंने क्या किया मेरा जो करंट पोजिशन है दैट इज कीपिंग ट्रैक ऑफ माई पोजिशन ठीक है जो कि स्टार्ट हो रहा है जीरो से तो जब तक मैं पोजिशन माइनस वन तक नहीं पहुंच जाती तब तक मैं अपने करंट पोजिशन को प्लस प्लस करती रहूंगी एंड मेरा जो टेम्प पॉइंटर है उसको आगे बढ़ाती रहूंगी ठीक है नाउ इस लूप के एंड में इस लूप के एंड में माई टेम्प पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू नोड at position minus one at position minus one तो यहाँ पे ऊपर हम अपना नया node भी क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमें इंसर्ट करना है तो node स्टार न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू node एंड जो भी वैल्यू हमें given है ठीक है तो अब क्या हो रहा है कि हमारा जो भी temp

का नेक्स्ट जो है वो एट पोजिशन है ठीक है जो गिवन पोजिशन है तो सबसे पहले जो मेरा करंट नोड है जो मेरा न्यू नोड है उसके नेक्स्ट में आई विल मेक इट पॉइंट टू माई नोड दैट इज एट पोजिशन ठीक है गिवन पोजिशन एंड देन वॉट आई डू इज की टेम्प के नेक्स्ट में आई विल पुट न्यू नोड टेम्प का नेक्स्ट विल पॉइंट टू माई न्यू नोड ठीक है तो हमने क्या करा पहले न्यू नोड के नेक्स्ट में जो है वैल्यू डाल दी फिर टेम्प पे जो मेरा पॉइंटर है जो प्री पोजिशन माइनस वन पे है उस नोड के नेक्स्ट को चेंज कर दिया ये शायद अगर आप सीधा कोड देखेंगे तो आपको कंफ्यूजिंग लगेगा इसलिए जो है इसको हमेशा जो है एक ड्रॉ करके देखना कि और उनके पॉइंटर्स बना के देखना कि हेड कहाँ पर है टेम्प कहाँ पे है किसका नेक्स्ट कहाँ पर है तो आपको समझ में आ पाएगा कि हम यहाँ कोड में एग्जैक्टली exactly क्या कर रहे हैं ठीक है एंड uh, इसको रन करके देखते हैं लेट्स इंसर्ट एट पोजिशन जहाँ पे हम हेड पास कर रहे हैं सम वैल्यू पास कर रहे हैं एंड पोजिशन पास कर रहे हैं टू एंड डिस्प्ले हेड ठीक है पोजिशन को हम वन कर देते हैं क्योंकि हमारे सिर्फ तीन ही नोड्स हैं अभी करंटली ठीक है तो यहाँ पे क्या हुआ ये हमारी लिंक लिस्ट थी जो हमने लास्ट देखी थी अब मैंने पोजिशन वन पे फोर को इंसर्ट कर दिया पोजिशन वन जो है वो ये हुई यहाँ पर आई हैव इंसर्टेड फोर नोड विद वैल्यू फोर ठीक है सो दिस इज माई न्यू लिंक लिस्ट इसकी अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी हमें जो है अपने टेम्प पॉइंटर को ट्रैवर्स करवाना पड़ रहा है टिल पोजिशन माइनस वन तो यहाँ पे हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ओ ऑफ जो भी हमारी पोजिशन जो हमें गिवन होगी वो बोल सकते हैं हम या फिर वर्स्ट केस में हम बोल सकते हैं कि वर्स्ट केस में दिस पोजिशन एंड ऑफ द लिंक लिस्ट तो हमें अपनी पूरी लिंक लिस्ट ट्रैवर्स करनी पड़ेगी तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हो जाएगी ओ ऑफ n नाउ अगर मुझे अपडेट करना है एट kth पोजीशन तो हाउ कैन आई डू दैट इन अ लिंक लिस्ट सपोज मेरे पास एक लिंक लिस्ट गिवन है जहां पर एट सम kth पोजीशन सम k पोजीशन आई हैव टू अपडेट द वैल्यू ठीक है सो दिस इज फेयरली इजी आई थिंक ये आप लोग कर पाएंगे खुद ही कि हम जो है एक टेम्प पॉइंटर बनाएंगे जो कि केथ पोजिशन तक ट्रावर्स करेगा एंड देन उस पोजिशन की वैल्यू को अपडेट कर देगा इसको अगर हम कोड में देखें तो वाइड अपडेट एट पोजिशन जहां पर हमें अपनी लिंक लिस्ट मिल रही होगी हमें एक पोजिशन मिल रही होगी के जहाँ पर हमें अपडेश अपडेट करनी है वैल्यू एंड जो अपडेटेड वैल्यू होगी वो मिल रही होगी ठीक है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सबसे पहले हम एक पॉइंटर बना लेंगे नोट स्टार टेम्प क्योंकि स्टार्ट हो रहा होगा हेड से एंड हमें जो है ट्रैवर्स कराना है टेम्प पॉइंटर को टिल के पोजिशन ठीक है तो पोजिशन ट्रैक करने के लिए लेट्स मेक करंट पोजिशन वेरिएबल कि जब तक मेरी करंट पोजिशन जो है वो के तक ना पहुंच जाए तब तक आप टेम्प पॉइंटर को आगे बढ़ाते रहिए एंड हम यहाँ पर करंट पोजीशन को प्लस प्लस भी कर देंगे ठीक है तो एट द एंड ऑफ दिस लूप, व्हाट विल हैव इज़ सॉरी, टेम्प बी पॉइंटिंग टू केथ नोड। तो अब ये जो नोड है इसकी वैल्यू में आई विल पुट जो मेरा गिवन वैल्यू है सो so, लेट्स ट्राई दिस अपडेट एट पोजिशन जहां पे मैं हेड पास कर रही हूँ किस पोजिशन पे मुझे अपडेट करना है सेकेंड पोजिशन पे मुझे अपडेट करना है वो कैसी दिखती है तो दिस वॉज माई लिंक लिस्ट एंड यहाँ पे पोजिशन टू पे जहां पे टू प्रेजेंट था पहले वहां पे मैंने वैल्यू डाल दी है फाइव ठीक है अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो दिस विल अगेन बी ऑफ के जो भी हमारी केथ पे हमें अपडेट करना है नंबर ऑफ नोट इन माई लिंक लिस्ट नेक्स्ट लेट्स मूव फॉरवर्ड टू डिलीशन ठीक है तो हमने इंसर्शन एंड अपडेशन देख लिया है अब हम देख रहे होंगे डिलीशन डिलीशन अगर हम देखेंगे कि तीन पोजिशन पे एट दी एंड एट स्टार्टिंग एंड इन द इन बिटवीन तो यहाँ पे ये डिलीट है ठीक है डिलीटिंग अ नोट एट दी स्टार्ट सबसे पहले अगर हमें कोई लिंक लिस्ट गिवन है एंड हमें जो स्टार्टिंग ऑफ द लिंकलेस में जो नोड है उसको डिलीट करना है ठीक तो uh, है तो स्टार्टिंग ऑफ द नोड जो लिंकलेस है दैट विल बी गिवन टू मी बाई माई हेड पॉइंटर तो आई वॉन्ट टू डिलीट दिस पॉइंटर सॉरी दिस नोड इसके लिए मुझे अपने हेड पॉइंटर को मूव करना पड़ेगा आई हैव टू मूव माई हेड पॉइंटर टू हेड का नेक्स्ट ठीक है सो दिस विल बी माई हेड का नेक्स्ट तो आई विल मूव माई हेड पॉइंटर टू हेड का नेक्स्ट नाउ माई लिंकलिस स्टार्ट फ्रॉम दिस नोट लेकिन ये जो इससे पहले वाला नोट जो है इसको वी वॉन्ट लीव इट हैंगिंग ठीक है वी विल फ्री अप दिस स्पेस दैट इज ऑक्यू दैट इट इज़ ऑक्यू बाइंग तो बिफोर वी मूव द हेड पॉइंटर हम एक अलग पॉइंटर बना लेंगे टेंप पॉइंटर विच वी पॉइंटिंग टू द नोट दैट वी वॉन्ट टू डीट जो मेरे शुरू में था लिंकलिस्ट के एंड देन आई विल मूव माई हेड पॉइंटर टू इट्स नेक्स्ट एंड उसके बाद आई विड रिमूव माई टेम्प जो भी मेमोरी जो है वो यूज़ कर रहा होगा मेरा टेम्प नोट uh, जो फर्स्ट नोट था आई आई क्रिएट दैट आप ठीक है तो इसको कोड में हम कैसे कर रहे होंगे लेट्स क्रिएट अ फंक्शन लेट्स क्रिएट अ फंक्शन डिलीट एट हेड जहाँ पर मुझे अपने लिंक लिस्ट का जो हेड पॉइंटर है वो मिल रहा होगा ठीक है तो सबसे पहले हेड पॉइंटर को oh, आगे बढ़ाने से पहले आई विल क्रिएट अ स्टार अटार्प ठीक है जस्ट टू कीप ट्रैक ऑफ द नोट जो कि मुझे डिलीट करना है ठीक है सो दिस इज द दोट टू बी डिलीटेड माई पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू द नोट दैट टू बी डिलीटेड ठीक है तो वट आई डू इज इस हेड को हम मूव कर देंगे एक स्टेप आगे हेड को ले जाएंगे हेड ऑफ नेक्स्ट पे एंड फिर हम फ्री अप कर देंगे जो भी स्पेस मेरा फर्स्ट नोट ऑक्यूपाई कर रहा है ठीक है तो दैट आई कैन डू यूजिंग दिस फ्री जो फंक्शन है विच बेसिकली वेयर इन आई कैन बेसिकली पास अ पॉइंटर एंड इट विल फ्री अप द स्पेस मेमोरी स्पेस जो भी वो ऑक्यूपाई कर रहा है नोट दिस इज हाउ वी कैन डिलीट एट हेड लेट्स

न्यू लिंक लिस्ट इसकी अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग वाला नोट हटाने के लिए हमें कोई भी ट्रेवर्सल नहीं कर, करना पड़ रहा है तो दिस वी आर एबल टू डू इन ऑफ वन कॉन्स्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब अगर हम बात करें डिलीटिंग अ नोट एट दफ द लिंक लिस्ट तो दिस इज माई लिंक लिस्ट गिवन टू मी एंड जो मेरा लास्ट नोड है दैट विल बी पॉइंटिंग टू नल अब इस नोड को मुझे जो है डिलीट करना है नाउ टू डिलीट दिस नोड वट आई हैव टू डू इस जो इससे पहले वाला नोड है जो कि मेरा सेकेंड लास्ट नोड है इसको मुझे पॉइंट कराना पड़ेगा टू नल इफ दिस पॉइंट टू नल तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे मेरी लिंक लिस्ट जो है वो एंड होती है तो आई विल हैव टू फाइंड माई सेकेंड लास्ट नोड दिस इज माई सेकेंड लास्ट नोड एंड हाउ कैन आई गेट द सेकेंड लास्ट नोट फ्रॉम द हेड नोड ठीक है हमें जो है हेड पॉइंटर मिलेगा अभी हेड पॉइंटर से ट्रावर्स करते करते में सेकेंड लास्ट तक कैसे मुझे पता चलेगा कि दिस इज माई सेकेंड लास्ट नोड तो आप देखो कि सेकेंड लास्ट नोट का जो नेक्स्ट होगा

नल के वो किसके इक्वल होगा नल के राइट right. तो जैसे ही आई कैन स्टार्ट ट्रावर्सिंग फ्रॉम द बिगनिंग फ्रॉम द हेड नोड जैसे ही मुझे पता चलता है कि मेरा पॉइंटर का नेक्स्ट का नेक्स्ट जिस भी मैं नोड पे हूँ उसका नेक्स्ट का नेक्स्ट इज नल तो मतलब कि आई एम एट माई सेकेंड लास्ट नोड एंड नाउ वंस आई गेट माई सेकेंड लास्ट नोड मुझे पता चल गया कि ये मेरा सेकेंड लास्ट नोड है तो आई कैन से कि इसका जो नेक्स्ट हो इसका जो नेक्स्ट हो दैट शुड पॉइंट टू नल आई विल रिमूव दिस लिंकिंग एंड मेक इट पॉइंट टू नल लेकिन अगेन ये लिंकिंग चेंज करने से पहले मैं जो मेरा लास्ट नोड होगा जो कि सेकेंड लास्ट का नेक्स्ट होगा उसको मैं स्टोर कर लूँगी इन सम समेम्प यूजिंग सम टेम्प पॉइंटर सो दैट आई कैन फ्री अप दिस स्पेस लेटर ठीक है सो so, इसको कोड में हम कैसे कर रहे होंगे वर्ड डिलीट एट जहां पे अगेन मुझे अपनी लिंक लिस्ट का हेड पॉइंटर जो है वो मिल रहा है ना हमें चाहिए अपना सेकेंड लास्ट नोट तो उसके लिए मैं एक पॉइंटर बना लेती हूँ नोट स्टार सेकेंड लास्ट ठीक है एंड आई विल स्टार्ट ट्रेवर्सिंग फ्रॉम दी हेड नोट तब तक मैं ट्रैवर्स करूंगी जब तक मेरा सेकेंड लास्ट नोड का नेक्स्ट का नेक्स्ट का नेक्स्ट का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल तब तक आई विल कीप मूविंग माय सेकेंड लास्ट पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड ठीक है मैं अपने सेकेंड लास्ट पॉइंटर को आगे मूव करते जा रही हूँ कब तक जब तक सेकेंड लास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता जैसे ही सेकेंड लास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट नल हो जाएगा मुझे पता है बीच में सेकेंड लास्ट नोड ठीक है तो नाउ सेकेंड लास्ट पॉइंट्स टू सेकेंड लास्ट नोड ठीक है एंड मेरा जो लास्ट नोड होगा वो कौन सा होगा जो मुझे डिलीट करना है

वो मेरा लास्ट नोट बन जाएगा एंड जो मेरा लास्ट नोट था उसको मैं डिलीट कर दूंगी ठीक है फ्री अप द स्पेस बीइंग यूज बाय द लास्ट नोट सो लेट्स ट्राई दिस आउट डिलीट टेल डिस्प्ले हेड तो ये थी मेरी लिंक लिस्ट फोर फाइव थ्री यहाँ पे मैंने डिलीट किया तो मतलब कि मेरा जो लास्ट वाला नोट है वो डिलीट हो गया ठीक है तो दिस नाउ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी हमें जो है सेकेंड लास्ट नोट तक जो है ट्रेवर्स करना पड़ रहा है तो ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी यहाँ पे इस केस में अगर हमें टेल नोट भी गिवन होता कि दिस इज माई टेल नोट तब भी हमें जो है लास्ट नोट तक ट्रेवर्स करना पड़े पड़ जाता है क्योंकि हम टेल नोट से जो है पीछे की तरफ नहीं जा सकते हम सेकेंड लास्ट नोट नहीं निकाल सकते टेल लास्ट नोट से ठीक है तो सेकेंड लास्ट नोट निकालने के लिए हमें शुरू से ही ट्रेवर्स करना पड़ता है तो हर केस में जो है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ओ ऑफ एन ही होगी वेयर एन इज द नंबर ऑफ नोट्स इन माई लिस्ट नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट देट विल बी सींग टूडे इज डिलीशन एट ठीक है दिस इज डिलीशन तो

नोड एट पोजिशन प्लस वन ठीक है जिसको मैं बोल सकती हूं नेक्स्ट ठीक है तो तो जो मेरा प्रीवियस नोड है ठीक है दैट शुड पॉइंट टू दिस नोड विच इज एट पोजिशन प्लस वन नाउ पोजिशन माइनस वन तक आई बी एबल टू ट्रावर्स जैसे कि हमने इंसर्शन में किया है मैं एक पॉइंटर बनाऊंगी जो कि हेड से स्टार्ट करेगा एंड आई विल कीप ट्रावर्सिंग जब तक मैं पोजिशन माइनस वन पे नहीं पहुंच जाती पोजिशन माइनस वन पे जब मैं पहुंच गई मुझे प्रीवियस वाला अपना नोट मिल गया तो अब मुझे क्या करना है आई विल से जो नेक्स्ट होगा वॉट शुड दैट भी इक्वल टू दैट शुड भी टू पोजिशन वन प्लस वन पे जो नोड है वो मुझे कैसे मिलेगा दिस इज प्रीवियस का नेक्स्ट एंड दिस नोड इज प्रीवियस का नेक्स्ट का नेक्स्ट राइट तो प्रीवियस का नेक्स्ट में आई विल मेक इट पॉइंट टू प्रीवियस का नेक्स्ट का नेक्स्ट तो बेसिकली मेरी ये वाली जो लिंक है ये चेंज हो जाएगी एंड दिस विल पॉइंट टू दिस नोड एंड देन ये वाला जो नोड है जो हमें डिलीट करना है इसको हम पहले से जो है पॉइंट करवा लेंगे किसी टेम्प पॉइंटर से इसको फिर हम फ्री अप कर देंगे ठीक है सो कोड में अगर हम देखें void डिलीट एट पोजिशन जहाँ पर हमें अपना हेड नोड मिल रहा है हमें मिल रहा है कि किस पोजिशन पे हमें डिलीट करना है अपने नोट को ठीक है यहाँ पे अगेन हम चेक कर सकते हैं जैसे हमने इंसर्शन में किया था कि अगर पोजिशन एट जीरो है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू डिलीशन एट हेड ठीक है तो हम सीधा वही फंक्शन कॉल कर सकते हैं एंड रिटर्न कर सकते हैं अगर पोजीशन जीरो नहीं है तो हमें ट्रावर्स करना पड़ेगा पोजीशन माइनस वन ठीक है तो उसके लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं करंट पोजिशन जो कि स्टार्ट हो रहा होगा जीरो से एंड एक पॉइंटर नोट स्टार प्रीवियस ठीक है जो कि स्टार्ट हो रहा होगा हेड से तो अब हम यहाँ पे एक वाइल लूप लगाएंगे कि जब तक मेरा करंट पोजिशन इज नॉट इक्वल टू पोजिशन माइनस वन पोजिशन माइनस वन तक मुझे ट्रैवर्स करना है तब तक मैं अपने प्रीवियस नोड को क्स्ट के इक्वल कर दूंगी राइट आई रिमूव माई प्रीवियस पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोट एंड करंट पोजिशन को हम प्लस प्लस कर देंगे ठीक है तो नाउ प्रीवियस इज पॉइंटिंग टू नोट एट पोजिशन माइनस वन एंड जो मेरा डिलीशन करने वाला नोट है ठीक है उसको मैं पॉइंट करवा लूंगी यूजिंग अ टेम्प पॉइंटर तो दैट विल बी जो मेरे पोजिशन पे होगा नोट तो पोजिशन पे मेरा कौन सा नोट है जो मेरे मेरे को गिवन पोजिशन है उस नोट पे उस पोजिशन पे प्रीवियस डॉट नेक्स्ट से मुझे मिल जाएगा वो वाला नोट ठीक है सो दिस इज द नोट टू बी डिलीटेड एंड अब मुझे क्या करना है प्रीवियस के नेक्स्ट को पॉइंट करवाना है प्रीवियस के नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट ठीक है जो प्रीवियस है जो पोजीशन माइनस वन पे है उस नोड को मैंने पॉइंट करा दिया टू द नोड एट पोजीशन प्लस वन एंड फाइनली वी कैन फ्री अप द स्पेस बीइंग ऑक्यूपाइड बाय टेम्प जो टेम्प पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है ठीक है, लेट्स सी इन कोड डिलीट एट पोजिशन हेड फर्स्ट पोजिशन पे जो भी हमें हमारा नोड होगा वो हमें डिलीट करना है ठीक है तो इसको पहले मैं इसको अभी के लिए कॉमेंट आउट कर देते हैं सो so, लास्ट जो है हमारी लिंक लिस्ट जो है आफ्टर अपडेशन दिस वॉज आर लिंक लिस्ट हमने क्या किया है वी हैव डिलीटेड एट पोजिशन वन ठीक है तो फर्स्ट पोजिशन पे क्या था यहाँ पे फोर था तो उसको हमने डिलीट कर दिया अपने लिंक लिस्ट से राइट सो दिस इज हाउ वी कैन डिलीट एट सम गिवन पोजिशन इन अ लिंक लिस्ट एंड अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करें तो दैट विल बी ओ ऑफ एन इन वर्स्ट केस बिकॉज हमें जो है Uh, जिस भी पोजिशन पे डिलीट करना है उसकी पोजिशन माइनस वन तक वील हैव टू ट्रेवर्स राइट एंड पहला क्वेश्चन जो है वो इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं विथ सेज की वी विल बी गिवन द हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट एंड वी हैव टू डिलीट एवरी ऑल्टरनेट एलिमेंट okay. फ्रॉम द लिस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड एलिमेंट अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कुछ लिंक लिस्ट गिवन है जो कि ऐसी दिखती है तो यहाँ पे हमें हर ऑल्टरनेट एलिमेंट डिलीट करना स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड एलिमेंट ठीक है तो सेकेंड एलिमेंट क्या है हमारा ये तो हमें जो है टू को डिलीट करना है फिर इसके बाद हम फोर को डिलीट करेंगे एंड यहाँ पे जो है हमारे बस इतने ही एलिमेंट्स हो डिलीट करने वाले तो हमारी जो लिंक लिस्ट आनी चाहिए इन दी एंड शुड लुक लाइक दिस ठीक है तो एवरी ऑल्टरनेट एलिमेंट सबसे पहले हमें अपनी लिंक लिस्ट कैसे पास हो रही होगी हमें अपनी मिल रही होगी? अब इस से अगर हम ट्रैवर्स करना स्टार्ट करें सपोज हमें एक पॉइंटर ले लेते ले ले हैं फॉर ट्रैवर्सल, जो कि हेड से स्टार्ट हो रहा होगा ठीक है तो यहाँ पे हम एक पॉइंटर ले लेते हैं करंट नोड ठीक है अभी यहाँ पे शॉर्ट के लिए करंट ले लेते हैं ठीक है तो करंट पॉइंटर जो है उससे हम अपने पूरे लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करने वाले हैं अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि जो करंट नोड है अगर मैं उसको हेड से स्टार्ट करूं तो उसका जस्ट बाद वाला एलिमेंट मुझे डिलीट करना है, है ना डिलीट करना विच मींस दिस एलिमेंट अब अगर आपको याद हो कि डिलीशन हम लिस्ट में कैसे करते थे हम सबसे पहले अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो मैं एक पॉइंटर टेम्प्रेरी पॉइंटर बना लूँगी जो कि इस नोड को पॉइंट कर रहा होगा ताकि मैं बाद में जाकर इस नोड की जो भी मेमोरी यूज हो रही है उसको अप कर पाऊँ ठीक तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक temp pointer बना लेंगे, which will be pointing to जो है है। है। उसका ठीक ठीक तो अब मुझे क्या करना है इसको दिल... यहां से हटाने के लिए मुझे वन के नेक्स्ट में डालना है थ्री राइट आई वांट की वन का नेक्स्ट जो हो वो थ्री को पॉइंट करे एंड थ्री तक मैं कैसे रीच करूंगी थ्री तक मैं ऐसे रीच कर सकती हूं कि अगर ये करंट है तो दिस विल बी करंट का नेक्स्ट राइट एंड दिस विल बी करंट का नेक्स्ट का नेक्स्ट करंट का नेक्स्ट का नेक्स्ट तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू डू इज करंट के नेक्स्ट में मुझे क्या डालना है आई वॉन्ट करंट का नेक्स्ट शुड पॉइंट टू करंट का नेक्स्ट का नेक्स्ट ठीक है तो इससे क्या होगा कि हमारा ये जो लिंक है ये ब्रेक होके दिस विल पॉइंट टू थ्री एंड नाउ व्हाट वी कैन डू इज अब हम जो भी टेम्प पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है जो कि हमें डिलीट करना है उसकी मेमोरी जो है वो हम फ्री अप कर सकते हैं तो मैं बोल सकती हूं फ्री एम्प जो क्या करेगा बेसिकली हमारे इस नोड को यहां से डिलीट कर देगा ठीक है तो अब मैंने एक जो अपना फर्स्ट एलिमेंट था वो डिलीट कर दिया लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं होती मुझे जो है हर एक ऑल्टरनेट एलिमेंट डिलीट करना है मैंने सिर्फ अपना फर्स्ट जो ऑल्टरनेट एलिमेंट था वो अभी डिलीट किया है तो हमें यहाँ पे एक लूप लगाना पड़ेगा ठीक है एंड ये जो मेरा पॉइंटर है करंट पॉइंटर इसको मैं आगे कैसे बढ़ाऊंगी मैं बोलूंगी कि करंट पॉइंटर को नेक्स्ट उसके नेक्स्ट एलिमेंट पे ले जाओ ठीक है विच इज बेसिकली सेम कि करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट तो इससे क्या होगा मेरा जो करंट पॉइंटर है वो उसके नेक्स्ट एलिमेंट पे चल जाएगा विच इज दिस राइट अब मुझे अगेन क्या करना है करंट के नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट है उसको डिलीट करना है ठीक है तो मैं यही जो चार स्टेप्स हैं दोबारा परफॉर्म करूंगी मैं एक पॉइंटर बना लूंगी टेम्प ठीक है विच विल बी पॉइंटिंग टू करंट का नेक्स्ट फिर मैं करंट के नेक्स्ट में डाल दूंगी करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट क्या है दिस इज करंट का दिस इज करंट का नेक्स्ट एंड दिस इज करंट का नेक्स्ट का नेक्स्ट राइट तो मैं ये वाली लिंक ब्रेक करके करंट के नेक्स्ट में डाल दूंगी करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट ठीक है एंड देन आई गेन फ्री अप दिस नोट जिसपे जो जिसपे टेम पॉइंट और पॉइंट कर रहा था एंड आई विल मूव अगेन करंट टू नेक्स्ट एलिमेंट तो दिस करंट पॉइंटर विल मूव टू इसका नेक्स्ट एलिमेंट विच इज दिस, राइट? एंड अब मुझे क्या दिख रहा है कि करंट का जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो नल नल ये हमें पता है द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट के जो नेक्स्ट पॉइंटर होता है इट पॉइंट टू नल तो करंट का नेक्स्ट अब क्या हो गया करंट का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल तो अब जो है हमें अपना ये जो लूप है हम ब्रेक कर सकते हैं अभी तक के जो भी सारे ऑल्टरनेट एलिमेंट्स थे वो हमने डिलीट कर दिया हमारी लिंक लिस्ट आ गई राइट right? तो ये जो हमारा कोड आपको यहाँ पे दिख रहा है जो चार लाइन दिख रही है यही हमें इंप्लीमेंट करनी है लेकिन ये कब तक इंप्लीमेंट करेंगे वॉट विल बी आर स्टॉपिंग कंडीशन एक तो हमारी ये हो गई कंडीशन की करंट का नेक्स्ट जब नल हो जाए ठीक है अब अगर यहाँ पे मेरे पास जो है ऑड एलिमेंट्स थे ठीक है मेरे पास यहाँ पे ऑड एलिमेंट्स थे अगर मेरे पास इवन एलिमेंट्स हो अगर मेरी लिंक लेस कुछ ऐसी हो तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरा करंट पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट होगा उसके बाद करंट के जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा उसको मैं डिलीट कर दूंगी दिस विल गेट डिलीटेड आफ्टर आई चेंज दिस लिंक देन माई करंट विल पॉइंट योर मेरा करंट पॉइंटर इधर आ जाएगा एंड करंट का जो नेक्स्ट है उस, उसको मैं टेम से पॉइंट करा दूंगी तो नाउ आई विल मेक पॉइंट करंट टू करंट के नेक्स्ट में मैं क्या डालूंगी करंट का नेक्स्ट का नेक्स्ट राइट दिस स्टेप तो करंट का नेक्स्ट का नेक्स्ट क्या है करंट का नेक्स्ट का नेक्स्ट है नल तो बेसिकली बेसिकली दिस विल Point to null. Three का जो next होगा, that will point to null. And जो होगा, है, जिस node को point कर रहा है, उसको मैं delete कर दूंगी. Okay. तो अब यहां पे जब मैं current is going to current का next, तो तो मेरा ये current pointer जो है, वो इधर आ जाएगा. तो इस case में जब मेरे पास इवन नंबर ऑफ नोड्स थे तो मेरी स्टॉपिंग कंडीशन यहाँ पे क्या हुई कि माय करंट इज पॉइंटिंग टू नल ठीक है तो मेरे यहां पे स्टॉपिंग कंडीशन स्टॉपिंग कंडीशन दो है एक कि करंट का नेक्स्ट नल हो ठीक है और ये जब ये कब होगा जब मेरे पास ऑड नंबर ऑफ नोड्स हो और दूसरी कंडीशन मुझे जो चेक करनी पड़ेगी कि करंट इक्वल टू नल हो ठीक है तब भी आई हैव टू स्टॉप एंड ये कंडीशन कब आएगी जो मेरे पास इवन नंबर ऑफ नोड्स हैं ठीक है तो मैं कुछ दोनों कंडीशंस जो है वो साथ में, में चेक कर सकती हूँ लेट्स सी कि कोड में इसको हम कैसे कर रहे होंगे तो यहाँ पे फर्स्ट लेट्स डिफाइन नोड क्लास जहां पे हमारे पास दो प्रॉपर्टीज होंगी ठीक है इंट डेटा या वैल्यू कुछ भी ले सकते हो आप एंड नोड स्टार नेक्स्ट ठीक है ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया ऑलरेडी एंड यहाँ पे वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर फॉर दिस क्लास जहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू अगर आ रही है डेटा तो हम वैल्यू में डाल देंगे उसको एंड नेक्स्ट में डाल देंगे नल ठीक है सो दिस विल हेल्प अस इनिशियलाइज आर नोट्स एंड वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ क्लास फॉर लिंक लिस्ट ठीक है अभी हमने ऊपर क्या देखा है हमने देखा है कि हाउ कैन आई क्रिएट अ क्लास फॉर नोट मैं एक लिस्ट के लिए भी एक क्लास क्रिएट कर सकती हूँ एंड इसमें प्रॉपर्टी क्या होगी सोचो लिस्ट की प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी प्रॉपर्टी होगी हेड बिकॉज कहीं पर भी अगर हमें लिस्ट पास करने हम उसका हेड पास करते हैं उसके हेड से हम पूरी लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं

अब अगर वी वॉन्ट टू इंसर्ट एलिमेंट इन टू ठीक है इंसर्ट एलिमेंट्स इन टू लिंक लिस्ट तो हाउ कैन वी डू दैट वी कैन क्रिएट अ वाइड इंसर्ट फंक्शन ठीक है जहाँ पे हम कुछ वैल्यू पास कर रहे होंगे जो कि वी वॉन्ट इंसर्टेड इन आर लिंक लिस्ट एंड हाउ कैन वी डू दैट तो ये हमने देखा था जो हमने इंसर्ट एट टेल वाला लॉजिक लिखा था वो हम यहाँ पे देख रहे होंगे कि अगर कोई लिंक लिस्ट हमें हमें क्रिएट करनी है राइट right? हमें एक एक करके उसमें एलिमेंट्स डालने हैं तो हम इंसर्ट आर टेल कर रहे होंगे उसके लिए तो इंसर्ट आर टेल वाला जो हमने लॉजिक देखा था वही हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा हेड जो है वो नाल तो नहीं है इफ हेड इज इक्वल टू नल इफ हेड इज इक्वल टू नल तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी लिंक लिस्ट इज एम्प्टी ठीक है तो उसके इसमें हमें बस एक नोड जो है जो हमारा न्यू नोड बनेगा वो रिटर्न करना है राइट तो हम सबसे तो पहले एक न्यू नोड बना लेते हैं नोड स्टार न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड एंड उसमें अपनी वैल्यू पास कर देंगे राइट एंड अगर अभी तक की हमारी लिंक लिस्ट वॉज एम तो हम हेड को पॉइंट करवा देंगे टू न्यू नोड एंड वी कैन रिटर्न ठीक है यहाँ पे समझ में आया क्या किया है इनिशियली जब हमारी लिंक लिस्ट एम टी है जब हेड इजल टू नल है तो हम बस एक न्यू नोट क्रिएट करेंगे और हेड को न्यू नोट पर पॉइंट करवा देंगे एंड रिटर्न कर जाएंगे ठीक है अब अगर हेड जो है वो नल नहीं है तो लिंक लिस्ट में अगर हमें टेल पर इंसर्ट करना है एलिमेंट एंड में इंसर्ट करना है तो सबसे पहले वील हैव टू ट्रावर्स टू द लास्ट नोट ऑफ आर लिंक लिस्ट एंड हाउ कैन बी डू दैट इसके लिए हम एक पॉइंटर बना लेते हैं ट्रावर्स करने के लिए नोट स्टार टेम्प जो कि हम स्टार्ट करेंगे हेड से एंड जब तक टेम्प का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल जब तक टेम्प का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल ये टेम्प का नेक्स्ट नल कब होगा जब हम लास्ट नोड पे होंगे जब हम लास्ट नोड पे होंगे तो उसका नेक्स्ट जो है वो नल को पॉइंट कर रहा होगा तो दिस लूप विल ब्रेक ठीक है तो जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तब तक हम temp is equal to temp ka next kar denge which will basically move our temp pointer by one step ahead now at the end of this loop we have reached our last node in the linked list ab hame kya karna hai temp ke next mein dalna hai apna new node jo humne upar banaya hai and that's all right humne last me last tak traverse kiya apne linked list ke aur uske baad apna new node जो है वो insert कर दिया. and let's also create a function here डिस्प्ले जहां पे हम अपनी लिंक लिस्ट को जो है वो प्रिंट कर रहे होंगे आप ये देख रहे हैं ये जो फंक्शंस हैं ये मैं अपनी लिस्ट क्लास के अंदर ही क्रिएट कर रही हूँ राइट तो मुझे यहाँ पे हेड पास करने की जरूरत नहीं है अगर ये इंसर्ट आर टेल या डिस्प्ले फंक्शन मैं अपनी क्लास के बाहर क्रिएट कर रही होती तो वहाँ पे मुझे लिंक लिस्ट का हेड जो है वो एज अ पैरामीटर पास करना पड़ता ठीक है तो आई होप दैट इज क्लियर एंड वो क्लियर तभी होगा अगर आप लोगों ने ऊप् के कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े हैं और समझे हैं ठीक है तो डिस्प्ले में हमें क्या करना है अपनी पूरी लिंक लिस्ट को ट्रावर्स करना है और सारे एलिमेंट्स के जो वैल्यूज़ हैं उनको प्रिंट करना है तो ट्रावर्स करने के लिए लेट्स क्रिएट अ टेम्प पॉइंटर जो कि स्टार्ट हो रहा होगा हेड से एंड जब तक हमारी पूरी लिंक लिस्ट ट्रावर्स नहीं हो जाती तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे कि टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल तो तब इसलिए हमने यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई है कि टेम्प इज नॉट इक्वल टू तब तक हम आगे मूव करते रहे टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट एंड इससे पहले हम क्या करेंगे जो हमारा current नोट है उसकी वैल्यू को हम प्रिंट कर देंगे ठीक है एंड

एलिमेंट्स मैं यहाँ पे लूप भी लगा सकती हूँ वी कैन डू दैट एज वेल ठीक है तो लेट्स इंसर्ट फाइव एलिमेंट्स एंड देन डिस्प्ले आर लिंक लिस्ट तो दिस इज आर लिंक लिस्ट करंटली नाउ ये तो बस हमने कोड लिखा है टू सपोर्ट आर मेन क्वेश्चन दैट वी हैव टू सॉल्व ठीक है तो अगर ये पार्ट आप लोग स्किप कर सकते थे अगर यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दिस वरना दिस इज अ गुड चांस फॉर यू टू तो रिवाइज कि हमने कैसे लास्ट क्लास में इंसर्शन किया था एंड प्रिंट किया था लिंकलिस्ट के नोट्स को नाउ लेट्स कम टू आर मेन फंक्शन विच इज डिलीट ऑल्टरनेट नोट डिलीट ऑल्टरनेट नोट ठीक है अब यहाँ पे हमें जो है अपनी list का हेड पास करना पड़ेगा node स्टार हेड क्योंकि ये हम अपनी लिस्ट क्लास के अंदर नहीं डिफाइन कर रहे हैं ठीक है लिस्ट क्लास के अंदर नहीं डिफाइन कर रहे हैं ये फंक्शन तो यहाँ पे हमें हेड जो है वो पास करना पड़ेगा नाउ हमें क्या करना है सबसे पहले हम एक पॉइंटर ले लेते हैं करंट नोड नोड स्टार करंट नोड जो कि हमारी लिस्ट को ट्रावर्स करेगा ठीक है ये स्टार्ट कहां से हो रहा होगा हमारे हेड नोड से अब हमें जो है लूप करना है थ्रू आर एंटायर लिस्ट ट्रेवर्स करना अपनी पूरी लिंक लिस्ट को एंड हमारी दो स्टॉपिंग कंडीशन हैं क्या स्टॉपिंग कंडीशन हैं हमारी कि करंट नोड शुड नॉट बी इक्वल टू नल एंड हमारा करंट नोड का नेक्स्ट शुड नॉट बी इक्वल टू नल जब तक ये दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू है तब तक हमें चार चीजें करनी है सबसे पहले करंट नोड के जो भी नेक्स्ट वाला एलिमेंट होगा वो हमें डिलीट करना है राइट right? तो हम क्या करेंगे उसको पहले एक टेम्प पॉइंटर से पॉइंट करवा लेंगे करंट नोड का नेक्स्ट को दिस इज द नोड टू बी डिलीटेड ठीक है अब करंट के नेक्स्ट में डाल देंगे हम क्या करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट ठीक है तो बेसिकली हमने एक बीच में नोट स्किप करके और उसके नेक्स्ट वाले नोट uh, पे उसको पॉइंट करवा दिया नाउ वी कैन फ्री अप जो भी हमारे टेम्प जो है वो स्पेस यूज कर रही थी एंड हम अपने करंट पॉइंटर को आगे भी बढ़ाएंगे कैसे करंट नोड इज इक्वल टू करंट नोड का नेक्स्ट ठीक है सो दिस लूप विल कीप रनिंग जब तक हमारे या तो करंट नोड नल नहीं हो जाता या फिर करंट नोड का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता सो लेट्स ट्राई दिस आउट डिलीट ऑल्टरनेट नोट्स जहां पे हमें अपनी लिंक लिस्ट का हेड पास करना है ठीक है एंड इसके बाद विल डिस्प्ले अगेन सो दिस वॉज आर लिंक लिस्ट जो हमने इनपुट दी एंड दिस इज द लिंकलिस्ट जो हमारे पास आउटपुट आई जहाँ पे टू और फोर जो है वो डिलीट हो चुके हैं अगर यही हमारे पास इवन uh, नोड्स होते हैं ठीक है सिक्स भी है यहाँ पे इंसर्ट कर दिया मैंने तो भी हमारे पास सही आंसर आ रहा है यू शुड वेरीफाई दैट तुम्हारा जो भी सोल्यूशन है इट्स वर्किंग फॉर बोथ ईवन नंबर ऑफ नोट्स एंड और नंबर ऑफ नोट्स ठीक है

बट बिकॉज इट इज सॉर्टेड तो जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स होंगे वो साथ में आ रहे होंगे ठीक है तो सपोज दिस कैन बी आर सैम्पल इनपुट ठीक है एंड यहाँ पे जो हमारा आउटपुट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए दिस जहाँ पे हमने जो भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं उनको हटा दिया है एंड हमारी लिंक लिस्ट जो है वो सॉर्टेड ही रिटर्न हो रही है सो so, अगर हम अपने लिंक लिस्ट को बिगनिंग से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करें ठीक है करंट नोड ले लेते हैं जिससे हम ट्रैवर्स कर रहे होंगे अपनी पूरी लिंक लिस्ट को अब करंट नोड जो है और जो करंट नोड का नेक्स्ट है अगर मैं उन दोनों को कंपेयर करूं तो यहाँ पे करंट नोड एंड करंट नोड का नेक्स्ट इक्वल नहीं है उनकी वैल्यूज इक्वल नहीं है ठीक है तो यहाँ पे मुझे कोई भी एलिमेंट हटाने की जरूरत नहीं है राइट मुझे यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हटाने की जरूरत नहीं है थीके? तो लेट मी मूव फॉरवर्ड ठीक है लेट मी मूव योर अब यहां पे क्या हो रहा है जो करंट नोड है और जो करंट नोड का नेक्स्ट है उन दोनों की वैल्यूज आर इक्वल ठीक है करंट नोड दिस इज करंट नोड दिस इज करंट नोड का नेक्स्ट इन दोनों की वैल्यूज जो है वो यहां पे इक्वल है तो अब यहां पे आई हैव टू डू समथिंग अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूं कि करंट नोड को मैं एज इट इज रखू लेकिन करंट नोड के बाद वाली वैल्यूज अगर करंट नोड के इक्वल है तो मैं उसको हटा दू मतलब कि क्या कि जैसे यहाँ पे करंट नोड और करंट नोड के नेक्स्ट की वैल्यूज इक्वल है तो मैं इसको डिलीट कर दू यहां से इस नोड को यहां से डिलीट कर दू तो बेसिकली ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में हम कर रहे थे मैं एक टेम्प पॉइंटर से पॉइंट करवाऊंगी उस नोड को जिससे हमें डिलीट करना है फिर जो करंट नोड है उसको मैं पॉइंट करवाऊंगी करंट नोड के नेक्स्ट के नेक्स्ट ठीक है तो नेक्स्ट का नेक्स्ट मतलब कि ये वाली लिंक जो है ये हटके हो जाएगी ये ठीक है एंड देन आई कैन फ्री अप जो भी मेरा टेम्प पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है ठीक है सो दिस विल गेट फ्रीड अप अब अगर मैं दोबारा चेक करूं कि क्या करंट नोड और करंट नोड का नेक्स्ट क्या ये दोनों इक्वल हैं नहीं इनकी वैल्यूज इक्वल नहीं है तो आई कैन मूव फॉरवर्ड आई कैन मूव फॉरवर्ड अब यहां पे अगेन आई विल चेक कि करंट नोड और करंट नोड के जो नेक्स्ट है क्या उनकी वैल्यूज इक्वल है यस yes. तो मुझे क्या करना है आई वॉन्ट टू रिमूव दिस ठीक है आई वॉन्ट टू रिमूव दिस नोट अगर करंट नोट और करंट नोड के नेक्स्ट की वैल्यूज इक्वल है तो मैं करंट नोट के नेक्स्ट को रिमूव कर दूंगी एंड ये सिर्फ एक बार ही नहीं बल्कि ये मल्टीपल टाइम्स भी हो सकता है मतलब कि मुझे एक लूप लगाना पड़ेगा कि जब तक करंट नोड के नेक्स्ट के एलिमेंट्स की वैल्यू इक्वल है टू करंट नोड की वैल्यू जब तक करंट नोड के नेक्स्ट की वैल्यू इज इक्वल टू करंट नोड की वैल्यू तब तक जो भी करंट नोड के नेक्स्ट वाला नोड है उसको हटा दो ठीक है उसको डिलीट कर दो सो so, यहां पे अगर मैं इस नोड को हटा दूं वही प्रोसेस यूज करते कर कि पहले इसको टेम्प पॉइंटर से पॉइंट करवाएंगे फिर करंट के जो नेक्स्ट है उस उसकी लिंक चेंज करेंगे इसको नेक्स्ट के नेक्स्ट पे पॉइंट करवाएंगे एंड देन टेम्प को फ्री अप कर देंगे तो मेरी लिंक लिस्ट जो है कुछ ऐसी बन जाएगी अब दोबारा अगर मैं चेक करूँगी करंट और करंट के नेक्स्ट की जो वैल्यूज हैं उनकी उनकी वैल्यूज आर इक्वल तो मुझे दोबारा इसको हटाना पड़ेगा मैं दोबारा इसको एक टेम्प पॉइंटर से पॉइंट करवाऊंगी इसकी लिंक जो है वो चेंज करूंगी सो दिस विल पॉइंट टू करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट क्या है This would be null null. null because the last node, the next, is points to to so, will point to null now, and then I can remove लास्ट null pointer टू point कर रहा है अब अगर मैं चेक करूँ तो करंट का जो नेक्स्ट है वो तो नल ही हो गया ठीक है तो मैं इनकी वैल्यूज को तो कंपेयर कर ही नहीं सकती तो मुझे क्या अपनी लिंक लिस्ट मिल गई ठीक है दिस इज बेसिकली क्या वन टू थ्री एंड नल दिस इज द लिंक लिस्ट आउटपुट दैट आई नीडेड ठीक है तो यहाँ पे हमने क्या किया है लेट्स सी अगेन हम सबसे पहले एक पॉइंटर बना रहे हैं करंट नोड ठीक है एक पॉइंटर बना रहे हैं करंट नोड एंड जब तक ये नल नहीं हो जाता ठीक है मतलब कि जब तक हमारी पूरी जो लिंक लिस्ट है वो ट्रावर्स नहीं हो जाती तब तक हम आगे मूव करते रहेंगे एंड हम क्या करना है कि हर करंट नोट के लिए जैसे हमारी फॉर एग्जाम्पल ये है हमारी लिंक लिस्ट ठीक है एंड अगर हमारा करंट पॉइंटर जो है वो इधर है तो हमें एक लूप लगाना पड़ेगा कि जब तक करंट और करंट के नेक्स्ट और करंट के नेक्स्ट की वैल्यूज इक्वल हैं तब तक हमें करंट के नेक्स्ट को हटाना पड़ेगा ठीक है तो हम क्या कहेंगे कि वाइल करंट की वैल्यू करंट की वैल्यू इज इक्वल टू इज इक्वल टू करंट के नेक्स्ट की वैल्यू तब तक हमें क्या करना है रिमूव करंट का नेक्स्ट वाला नोड ठीक है और ये रिमूव कैसे करते हैं डिलीट कैसे नोट करते हैं ये हमें आता है ठीक है ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा है कि बीच में से कोई भी हमें नोट डिलीट करना है तो हम कैसे कर रहे होंगे ठीक है तो हमने क्या किया जो करंट की वैल्यू एंड करंट के नेक्स्ट की वैल्यू जब तक ये जो है वो सेम है इनकी वैल्यू सेम है तब तक हम करंट के नेक्स्ट का जो भी नोट आ रहा है उसको डिलीट करते जाएंगे ठीक है एंड ये लूप ब्रेक कब होगा जब हमारी करंट जिस करंट uh, नोड जो है और जो उसके बाद वाला नेक्स्ट नोड जो है दे हैव डिफरेंट वैल्यूज ठीक है दे डोंट हैव डुप्लीकेट वैल्यूज तब हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे तब हम क्या कर सकते हैं अपने करंट पॉइंटर no को आगे बढ़ा देंगे ठीक है तो इसके बाद हम क्या करेंगे करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट तो ये हमारा कोड होगा लेकिन यहाँ पे हमें एक और कंडीशन जो है वो चेक करनी पड़ेगी हियर कि करंट का नेक्स्ट जो है वो नल नहीं होना चाहिए जैसे अभी हमने देखा था कि ये वाले एग्जाम्पल में हमने यहां पे जब थ्री को हमने इसको हमने रिमूव कर दिया एंड थ्री को डाल दिया थ्री के नेक्स्ट के नेक्स्ट में ठीक है दिस इज करंट तो करंट को डाल दिया नेक्स्ट के नेक्स्ट में विच इज नल तो अब यहाँ पे क्या होगा कि करंट का नेक्स्ट जो है वो नल है तो उस केस में ये कंडीशन जो है वो चेक नहीं होनी चाहिए ठीक है करंट का नेक्स्ट की वैल्यू अगर हम यहां पे चेक करेंगे तो नल की वैल्यू जो है वो एरर दे देगी अगर वो नल की वैल्यू चेक करेगी तो हमें यहां पे एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी कि करंट करंट का नेक्स्ट शुड नॉट बी इक्वल टू नल ठीक है एंड दिस कंडीशन सो ये दोनों कंडीशन हमें चेक करनी पड़ेगी सो लेट्स सी दिस इन कोड नाउ तो यहाँ पे जो बॉयलर प्लेट कोड है वो हमने वही रखा है जो लास्ट क्वेश्चन में लिया था लेट्स सी द फोकस ऑन द क्वेश्चन दैट वी हैव विच इज डिलीट डुप्लीकेट नोट्स ठीक है पे हमारे पास क्या पास हो रहा होगा हेड पास हो रहा होगा अपनी लिंक का तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे एक बना लेते हैं जो कि हमारी लिंक को ट्रैवर्स करने में हेल्प कर रहा होगा करंट नोट स्टार्टिंग एट हेड अब जब तक ये करंट नोट इज नॉट इक्वल टू नल इज नॉट इक्वल टू नल ऑल्सो बच्चों इस कंडीशन को हम क्या लिख सकते हैं करंट नोड इज नॉट इक्वल टू नल को मैं सिर्फ ये भी छोड़ सकती हूँ ठीक है तो जैसे ही करंट नोड की वैल्यू नल होगी तो मेरी ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाएगी एंड आई विल कम आउट ऑफ माय वाई लूप ठीक है तो आप पूरा भी लिख सकते हो कि करंट नोड इज नॉट इक्वल टू नल एंड यू कैन ऑल्सो जस्ट राइट करंट नोड ठीक है तो जब तक हमारा करंट नोड नल नहीं हो जाता जब तक हमारी पूरी लिंक ट्रावर्स नहीं हो जाती तब तक हम क्या कर रहे होंगे करंट नोड की वैल्यू और करंट नोड के नेक्स्ट की वैल्यू कंपेयर करेंगे करंट नोड की वैल्यू एंड करंट नोड के नेक्स्ट की वैल्यू कंपेयर कर रहे होंगे जब तक करंट नोड की वैल्यू एंड करंट नोड के नेक्स्ट की वैल्यू इक्वल है तब तक हम में डिलीट कर करते रहना होगा करंट नोड का जो नेक्स्ट नोड है ठीक है एंड यहाँ पे एक और कंडीशन जो हमारी आ रही होगी कि करंट नोड का नेक्स्ट शुड नॉट बी इक्वल टू नॉन ठीक है सो दिस कंडीशन आल्सो वी नीड टू चेक यहाँ पे एंड uh, इसको भी हम सिर्फ करंट नोड

एंड उसको डिलीट करने के लिए हम करंट नोड के नेक्स्ट को चेंज कर देंगे टू करंट नोड के नेक्स्ट का नेक्स्ट ठीक है तो वो करंट नोड के नेक्स्ट वाला एलिमेंट जो है वो अब डिलीट हो गया एंड उसकी मेमोरी फ्री अप करने के लिए फ्री टैप ठीक है तो ये वाला लूप जो है वो कब खत्म होगा ये वाला लूप कब खत्म होगा this loop ends when current node and next node values are different ठीक है जैसे 1 के बाद सीधा अगर 2 आएगा तब हमारा ये वाला लूप खत्म होगा सिमिलरली 2 के बाद जब नेक्स्ट वैल्यू 3 होगी तब ये लूप खत्म होगा ठीक है तो जब भी करंट नोड एंड उसके नेक्स्ट नोड की वैल्यूज डिफरेंट होगी तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे या फिर करंट नोड का नेक्स्ट जो है वो नल हो जाए ठीक है तब भी हम बाहर आ जाएंगे क्योंकि हमारी लिंक जो है वो पूरी ट्रावर्स हो जाएगी और और लिंकलिस्ट एंड ठीक है तो इन दोनों केस में हम इस लूट से बाहर आ जाएंगे एंड उसके बाद हमें क्या करना है अपने करंट नोड को एक स्टेप से आगे बढ़ाना है तो इसके लिए विल से करंट नोड इज टू करंट नोड का नेक्स्ट ठीक है एंड ये वाला लूप तब कब खत्म होगा जब हमारा करंट नोड विल बी पॉइंटिंग टू नल सो दिस इज आर कोड फॉर डिलीटिंग डुप्लीकेटिंग डुप्लीकेट नोट लेट्स सी दिस इन कोड विल कॉल डिलीट डुप्लीकेट नोट जहां पे हम अपनी लिंकलिस्ट का हेड जो है वो पास कर देंगे एंड देन वी विल एंड देन वी विल डिस्प्ले आर लिंक सो दिस वॉज आर लिंकलेस्ट जो कि हमने पास करी एंड दिस इज आर आउटपुट जहां पे हमारे जो भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स है वो रिमूव हो चुके हैं ठीक है हम एक और एलिमेंट यहाँ पे ऐड करके देख सकते हैं फोर तो यहाँ पे हमारा आउटपुट अगेन सेम सही आ रहा है राइट सो दिस इज द कोड फॉर डिलीटिंग डुप्लीकेट अगर इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करें तो वी आर ट्रवर्सिंग आर इंटायर लिंक लिस्ट हियर ठीक है जो करंट ये वाला जो बाहर वाला लूप है

रिवर्स ठीक है अभी यहाँ पे हम रिवर्स नहीं कर रहे होंगे ये जो है एक अलग टॉपिक है क्योंकि रिवर्सल ऑफ लिंक इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम अलग लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे बट यहां पे हम क्या करेंगे सिर्फ जो है अपनी लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में हमें प्रिंट करना है ठीक है तो अगर हमारी लिंक लिस्ट कुछ ऐसी है तो इसे हमें चेंज नहीं करना है हमारी लिंक लिस्ट जो है वो यही रहनी चाहिए हमें बस प्रिंट करना है इसको रिवर्स ऑर्डर में ठीक है? अब वो कैसे हो सकता है क्योंकि हमें पता है हमारी लिंक लिस्ट में हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अपने नोट्स को ट्रैवर्स कर सकते हैं राइट वी कैन नॉट ट्रैवर्स दीज इन द रिवर्स ऑर्डर तो हाउ वुड वी प्रिंट द रिवर्स ऑर्डर नाउ यहां टेक हेल्प फ्रॉम रिकर्शन ठीक है क्योंकि रिकर्शन के बारे में अगर हम सोचें तो रिकर्शन में क्या होता है हमारा एक स्टैक क्रिएट होता है रिवर्स रिकर्शन स्टैक जिसको हम हम बोलते हैं ठीक है एंड रिकर्शन स्टैक में क्या होता है कि जो एलिमेंट सबसे पहले जाता है ठीक है वो सबसे बाद में निकलता है ठीक है तो अगर यहाँ पे मैं वन टू थ्री फोर डाल रही हूँ एंड तो फोर पहले निकलेगा फिर थ्री निकलेगा फिर टू निकलेगा फिर वन निकलेगा ठीक है ये कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको ज्यादा समझ में आएगा जब हम स्टैक्स पढ़ेंगे बट अभी के लिए आई थिंक आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि जो रिकर्शन स्टैक होता है वहाँ पे जो सबसे पहले रिकर्सिव कॉल होती है वो सबसे बाद में जो है कंप्लीट uh, होती है राइट इन माय रिकर्सिव स्टैक सो अगर हम रिकर्शन की यहाँ पे हेल्प लें और मैं आपको बोलूं कि ये जो लिंक लिस्ट है जो हेड के नेक्स्ट दिस इज हेड जो हेड के नेक्स्ट वाली लिंक लिस्ट है वो मुझे रिकर्शन जो है रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करके दे रहा है ठीक है ये जो पार्ट ऑफ द लिंक लिस्ट है वो मेरे को रिकर्शन प्रिंट करके दे रहा है रिवर्स ऑर्डर तो मुझे क्या करना है मुझे सिर्फ जो हेड वाला पॉइंट नोड uh, है उसको प्रिंट करना है तो वट आई डू इज आई विल कॉल रिकर्सिवली आई विल कॉल रिकर्सिवली फॉर हेड का नेक्स्ट एंड देन प्रिंट हेड वैल्यू अब शायद ये आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा हो तो लेट्स सी कि रिकर्सिव स्टैक यहाँ पे कैसे बनेगा हम यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या होगा अगर हमारा फंक्शन है रिवर्स ठीक है जहाँ पे हमारे पास हेड जो है वो पास हो रहा होगा ऐसे लिखते हैं रिवर्स जहां पर हमें हेड मिल रहा है ठीक है तो हम इस फंक्शन में क्या करेंगे रिवर्स फंक्शन कॉल कर देंगे हेड ऑफ नेक्स्ट के लिए ठीक है जो हेड ऑफ नेक्स्ट है उसके लिए रिकॉर्सिवली कॉल करेंगे एंड देन प्रिंट कर देंगे हेड की वैल्यू एंड यहाँ पे हमारी हमारा जो बेस केस होगा वो क्या होगा ये तो हमारा रिकर्सिव केस हो गया ठीक है अगर हम बेस केस की बात करें तो अगर हेड हमारा नल हो जाता है मतलब कि हमारी लिंक लिस्ट एम हो जाती है तब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें कुछ प्रिंट करने की जरूरत नहीं है तब हम रिटर्न कर जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा देखो सबसे पहले रिवर्स फंक्शन कॉल होगा जहां पे हेड में क्या है वन ठीक हेड इज पॉइंटिंग टू वन तो हमारा रिवर्स रिकर्सिव स्टैक रिकर्शन स्टैक बनेगा जहाँ पे रिवर्स वन के लिए कॉल हो रहा है रिवर्स फंक्शन कॉल हो रहा है फॉर वन मतलब कि हेड जो है अभी वन पे है नाउ यहाँ पे हम दिस फंक्शन विल कॉल रिवर्स अगेन फॉर हेड का नेक्स्ट ठीक है हेड का नेक्स्ट क्या है हेड का नेक्स्ट इज टू तो यहाँ

तो हेड का नेक्स्ट वुड बी फोर नाउ रिवर्स ऑफ फोर जो है वुड बी कॉलिंग रिवर्स ऑफ हेड का नेक्स्ट नाउ यहां पे हेड का नेक्स्ट क्या होगा अगर फोर हेड जो है वो फोर पे है ठीक है तो हेड का नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे नल क्योंकि फोर के के नेक्स्ट में है नल तो यहाँ पे रिवर्स फंक्शन विल बी कॉल्ड फॉर नल अब जैसे ही रिवर्स फंक्शन इज कॉल्ड फॉर नल तो हमारी बेस कंडीशन जो है वो हिट हो जाएगी बेस कंडीशन क्या है कि अगर हेड की वैल्यू नल है तो रिटर्न कर जाओ तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे आई विल गेट रिटर्न मतलब कि ये वाली जो हमारी रिकर्सिव कॉल है ये हमारे स्टैक से रिमूव हो जाएगी ठीक है एंड मेरा ये जो रिवर्स फंक्शन था विच इज़ कॉल्ड फॉर फोर ठीक है उसकी ये वाली कॉल जो है वो रिटर्न कर गई मतलब कंप्लीट हो गई रिवर्स ऑफ हेड जब फोर था ठीक है हेड में जब फोर था तो हेड ऑफ नेक्स्ट के लिए कॉल हुआ हेड ऑफ नेक्स्ट जो है हेड हेड ऑफ पे नल हो गया तो वो रिटर्न कर गया नाउ दिस स्टेटमेंट इज कम्प्लीटेड दिस रिकर्सिव कॉल इज कम्प्लीटेड जहाँ पे हेड की वैल्यू भी क्या है फोर तो अब यहाँ पे हेड की वैल्यू अगर मैं प्रिंट करूंगी तो यहाँ पे हेड की वैल्यू क्या प्रिंट होगी फोर सबसे पहले जो फोर का जो रिकर्सिव कॉल था वो कंप्लीट होगा ठीक है क्योंकि रिकर्सिव जो फोर की रिकर्सिव कॉल है वो सबसे एंड में कॉल हुई है इसलिए सबसे पहले उसकी call, जो रिकर्सिव कॉल है वो कंप्लीट हो रही है और उसकी रिकर्सिव कॉल कंप्लीट होते ही हम क्या करेंगे उसकी वैल्यू प्रिंट कर देंगे तो हम फोर जो है वो नाउ व्हेन फोर गेट्स प्रिंटेड तो फोर की जो रिकर्सिव कॉल है वो कंप्लीट हो जाएगी एंड हमारे फोर के लिए जो रिकर्सिव कॉल थी वो हमारे स्टैक से रिमूव हो गई अब आएंगे हम टू रिकर्स जो हमारी फंक्शन कॉल हुआ था फॉर थ्री वेन हेड वॉज एट थ्री ठीक है तो नाउ हेड इज एट थ्री अब जो थ्री के लिए रिकर्सिव कॉल थी उसने फोर के लिए रिकर्सिव कॉल करी थी विच गॉट कम्प्लीटेड तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है इट विल प्रिंट दी हेड की वैल्यू अभी करंटली क्या है हेड की वैल्यू थ्री तो इट विल प्रिंट थ्री ठीक है नाउ थ्री की भी रिकर्सिव कॉल कंप्लीट हो गई तो इट विल गेट रिमूव फ्रॉम द रिकर्सिव स्टैक एंड अब हमारी रिकर्सिव कॉल है जो कि टू के लिए लगी थी जहां पे हेड जो है वो टू पे था ठीक है तो जब टू के लिए रिकर्सिव कॉल लगी थी तो उसने जो है थ्री के लिए कॉल किया था विच कॉट कंप्लीटेड तो अब हम हेड की वैल्यू प्रिंट कर देंगे हेड की वैल्यू है अभी टू सिमिलरली टू की भी रिकर्सिव कॉल कंप्लीट हो गई स्टैक से निकल जाएगी वो देन जो हमारा फंक्शन कॉल हुआ था फोर वन दिस वॉज वन हेड वॉज पॉइंटिंग टू वन उसने कॉल करी थी फॉर टू जो कि कंप्लीट हो चुकी है तो अब हम हेड की वैल्यू जो है वो प्रिंट कर देंगे हेड की वैल्यू भी क्या है वन तो ये भी हमारी फंक्शन कॉल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी एंड हमारा स्टैक जो है वो एम हो गया एंड वी हैव प्रिंटेड आर लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर ठीक है तो अगर आप लोगों को रिकर्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो शायद ये इजीली समझ में आ गया होगा वरना आई होप कि रिकर्शन स्टैक बना के अग तो अगर आपको रिकर्शन का टॉपिक क्लियर था तो ये समझ में आ गया होगा वरना आई होप ये फंक्शन स्टैक बना के जो रिकर्सिव कॉल्स लग रही हैं वो बना के आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे जो है ये रिकर्सिव रिकर्शन यूज करके विल बी एबल टू प्रिंट द लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर तो लेट्स राइट अ फंक्शन रिवर्स रिवर्स प्रिंट जहां पर हमें अपना लिंक लिस्ट का हेड मिल रहा होगा एंड यहाँ पे वी डोंट नीड टू पास इट बाय रेफरेंस क्योंकि हमें लिंक लिस्ट में कुछ चेंजेस नहीं करने हैं बस हमें प्रिंट करना है उसको इन रिवर्स ऑर्डर यहाँ पे सबसे पहले लेट्स राइट आर बेस कंडीशन व्हिच इज अगर हमारा हेड इज इक्वल टू नल तो उस केस में वी जस्ट नीड टू रिटर्न ठीक है, यू डोंट नीड टू डू थिंग अगर हमारी लिंक लिस्ट इज एम टी नाउ लेट्स कम टू आवर रिकर्सिव केस विच इज इसको बेस केस लिख देते हैं रिकर्सिव केस जहां पे हम कॉल कर रहे हैं रिवर्स प्रिंट फॉर हेड का नेक्स्ट फॉर हेड का नेक्स्ट एंड देन जब ये हेड ऑफ़ नेक्स्ट के लिए जो रिकॉर्ड ऑफ कॉल है वो फिनिश हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी तब हम प्रिंट कर देंगे हेड की वैल्यू तो हमारी लिंक लिस्ट में हमने चार एलिमेंट्स डाले वन टू थ्री फोर सबसे पहले इसको नॉर्मली डिस्प्ले कर लेते हैं इन लेफ्ट टू राइट ऑर्डर एंड देन वी विल डिस्प्ले इट इन रिवर्स रिवर्स प्रिंट जहाँ पे हम अपनी लिंक लिस्ट का हेड पास करें ठीक है रिवर्स प्रिंट आप अपने लिस्ट क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते थे हम जैसे हमने डिस्प्ले वाला लिखा है एनी वे वर्क वॉज आर लिस्ट एंड यहां द एलिमेंट्स इन द रिवर्स ऑर्डर ठीक है यू कैन ट्राई फॉर मोर एलिमेंट्स एज वेल ठीक है सो वी वर एबल टू प्रिंट आर लिंक लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर एंड दिस कॉन्सेप्ट कुड हेल्प इन द नेक्स्ट लेक्चर जब हम अपनी लिंक लिस्ट को एक्चुअली रिवर्स कर रहे होंगे सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिवर्सिंग लिंकलिस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने एक लिंक लिस्ट को रिवर्स नहीं किया था बल्कि उसको रिवर्स में प्रिंट किया था उसके एलिमेंट्स को यहाँ पे हमें क्या करना है अपनी लिंक लिस्ट को कम्प्लीटली रिवर्स करना है अगर हमारी लिंक लिस्ट हमें कुछ ऐसी गिवेन है हमें इसके लिंक्स को ही चेंज करना है रिवर्स करना है ताकि हमारी लिंक लिस्ट जो है वो कुछ ऐसी बन जाए फाइव के नेक्स्ट में आना चाहिए फोर फोर के नेक्स्ट में आना चाहिए थ्री एंड सो ऑन सो ये जो है हमें आउटपुट रिटर्न करना है नाउ यहाँ पे हमें जो है लिंक्स जो है वो चेंज करनी पड़ेगी दो एलिमेंट्स के बीच दो नोड्स के बीच में उनकी जो लिंक है उसको रिवर्स करना पड़ेगा ठीक है तो अगर हम अगर हम दो पॉइंटर्स इसके लिए मैंने एक पॉइंटर ले लिया करंट पॉइंटर ठीक है और एक और पॉइंटर ले लिया प्रीवियस पॉइंटर जो कि इनिशियली नल को पॉइंट नल को क्यों पॉइंट करवाया क्योंकि अगर वन जो है मेरी लिस्ट का लास्ट एलिमेंट होने वाला है आफ्टर रिवर्सिंग वन जो है वो लास्ट एलिमेंट हो जाएगा मेरे लिस्ट का ठीक है फाइव जो है फर्स्ट हो जाएगा और वन जो है वो लास्ट एलिमेंट हो जाएगा नोड हो जाएगा तो वन के नेक्स्ट में क्या आना चाहिए नल तो बेसिकली अगर हम हर दो नोड्स के बीच में रिवर्स कर रहे लि लिंक तो वन जो है अभी जो टू को पॉइंट कर रहा है अगर हम अपनी रिवर्स कर रहे हैं लिंक लिस्ट को तो वन शुड पॉइंट टू नल राइट बिकॉज वन इज द लास्ट नोड इन आर लिंक लिस्ट ठीक है तो सपोज वट आई डू इज कि यहाँ पे वन की जो ये लिंक है इसको हटा के हमने चेंज कर दिया दिस ठीक है नाउ करंट पॉइंटर के नेक्स्ट में डाल दिया हमने प्रीवियस करंट पॉइंटर के नेक्स्ट में डाल दिया हमने प्रीवियस लिंक जो है वो चेंज कर दी रिवर्स कर दी सिमिलरली हम ये आगे के एलिमेंट्स के लिए भी कर सकते हैं कि टू शुड नाउ पॉइंट टू वन राइट टू के नेक्स्ट में आना चाहिए अब वन लेकिन अब टू तक हम पहुंचे कैसे क्योंकि ये वाली लिंक जो थी जो यहाँ पे लिंक थी ये तो हमने हटा दी ये तो हमने चेंज कर दी वन के नेक्स्ट में नल डाल दिया तो अब टू तक कहाँ पहुंचे तो इसके लिए हम क्या करते हैं एक और पॉइंटर बना लेते हैं कि बिफोर चेंजिंग दिस हम करंट का जो नेक्स्ट नोड है उसको स्टोर कर लेंगे या उसको पॉइंट करवा लेंगे एक नोट स्टार पॉइंटर से ठीक है तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर बना दिया नेक्स्ट ठीक है विच शुड बी पॉइंटिंग टू जो करंट नोड है उसका नेक्स्ट Now, if I change this link, अब मैंने अगर current के next में store करवा दिया previous, तो now I still have access to my rest of the linked list, right? अब मुझे क्या करना है मैं अब सारे तीनों पॉइंटर्स जो है मेरे उनको एक एक स्टेप से आगे बढ़ा दूंगी ठीक है तो अब क्या होगा प्रीवियस जो है प्रीवियस पॉइंटर जो है वो मेरा आ जाएगा जहां पे मेरा करंट पॉइंटर था सो प्रीवियस विल कम हियर एंड मेरा करंट पॉइंटर आ जाएगा जहां पे मेरा नेक्स्ट पॉइंटर था तो मैं करंट विल कम हियर नाउ अगेन करंट हम क्या कर रहे थे हम कर रहे थे कि करंट के नेक्स्ट में हम डाल रहे हैं प्रीवियस वाला नोड ठीक है अब ये करने से पहले अगेन जो करंट का नेक्स्ट वाला नोड है वो मैं स्टोर कर लूंगी यूजिंग अनदर पॉइंटर नेक्स्ट ठीक है समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पे हम तीन पॉइंटर्स का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं क्योंकि अगर हम दो सिर्फ पॉइंटर्स का इस्तेमाल करते प्रीवियस और करंट एंड हम इनकी लिंक जो है वो चेंज कर देंगे तो इसका जो नेक्स्ट वाला नोड है जो करंट का नेक्स्ट वाला नोड है वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे अगर ये वाली लिंक मैंने हटा दी यहाँ से और ये ऐसे कर दिया तो थ्री तक मैं कैसे पहुंचूंगी उसके लिए मेरे को एक और पॉइंटर की हेल्प लेनी पड़ रही है जो कि है नेक्स्ट पॉइंटर ठीक है तो अब हम फिर अब हम क्या करेंगे करंट के नेक्स्ट में डाल देंगे प्रीवियस ठीक है तो ये वाली लिंक हम हटा रहे हैं एंड वी चेंजिंग दिस टू दिस ठीक है नाउ वंस अगेन हम तीनों पॉइंटर्स को एक एक स्टेप से आगे बढ़ा देंगे तो मेरा जो प्रीवियस पॉइंटर है दैट विल कम जहां पे मेरा करंट पॉइंटर था और मेरा करंट पॉइंटर विल कम जहां पे मेरा नेक्स्ट पॉइंटर था अगेन करंट पॉइंट करंट नोड की लिंक चेंज करने से पहले हम उसका नेक्स्ट जो है वो स्टोर कर लेंगे यूजिंग नेक्स्ट पॉइंटर एंड नाउ वी विल से कि करंट के नेक्स्ट में डाल दो क्या प्रीवियस नोड वंस अगेन हम तीनों जो पॉइंटर्स हैं उनको एक एक स्टेप से आगे बढ़ाएंगे तो प्रीवियस विल कम जहां पे हमारा करंट पॉइंटर था एंड करंट विल कम जहां पे हमारा नेक्स्ट पॉइंटर था और करंट का नेक्स्ट जो है वो हम स्टोर कर लेंगे यूजिंग नेक्स्ट पॉइंटर अब क्या करेंगे करंट के नेक्स्ट में दोबारा डाल देंगे प्रीवियस तो ये वाली लिंक जो है हमारी चेंज हो जाएगी एंड उ दिस तो करंट के नेक्स्ट में हमने डाल दिया प्रीवियस वाला जहां पे तो हमारा करंट था और हमारा करंट आ जाएगा जहां पे हमारा नेक्स्ट था, था और जो नेक्स्ट पॉइंट था वो कहाँ आएगा फाइव जो है वो यहां पे पॉइंट कर रहा है टू नल राइट तो हमारा नेक्स्ट पॉइंटर वुड बी पॉइंटिंग ह्योर जो भी करंट का नेक्स्ट होगा नाउ वी चेंज जो करंट का नेक्स्ट है करंट के नेक्स्ट में हम डाल देंगे प्रीवियस सो दिस लिंक विल चेंज एंड करंट के नेक्स्ट में हमने डाल दिया प्रीवियस नोटिंग ठीक है अब यहां पे अगर हम दोबारा एक एक स्टेप से अपने सारे पॉइंटर्स को आगे बढ़ाएं ठीक है तो क्या होगा कि प्रीवियस जो है वो इधर आ जाएगा ऑन माई लास्ट नोट एंड पॉइंटर जो है वो आ जाएगा जहां पे मेरा नेक्स्ट था ठीक है तो यहां पे मेरा आ जाएगा करंट पॉइंटर नाउ हियर आई कैन स्टॉप ठीक है जो मेरा लूप चल रहा था जहां पे मैं करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस डाल रही थी और हर एक

एंड लिंकलेस क्लास पी लेट्स डायरेक्टली मूव टू आर फंक्शन विच इज रिवर्स तो विर्स या यहाँ पे हम नोट स्टा रिवर्स भी बोल सकते हैं जहाँ पे हम अपनी न्यू लिंकलेस जो आएगी आफ्टर रिवर्सिंग उसका हेड जो है पास कर देंगे लिंकलेस जो है वो सेम होगी हम एक नई लिंकलेस नहीं बना रहे बट हमारा हेड जो होगा वो न्यू होगा ठीक ठीक है, है 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 जो जो पहले last element था, अब जो है वो हमारा हमारा हो जाएगा, थीके? ये बात समझ में आ रही है आप सबको? तो फंक्शन रिवर्स लिंक लिस्ट एंड यहाँ पे हम uh, क्या ले रहे होंगे अपने जो लिंक लिस्ट है ओरिजिनल उसका हेड हम ले रहे होंगे नाउ सबसे पहले हमें क्या करना है हमें पॉइंटर्स बनाने हैं तो लेट्स मेक आर प्रीवियस पॉइंटर जो कि इनिशियली नल को पॉइंट कर रहा था एंड करंट पॉइंटर करंट पॉइंटर जो कि हेड को इनिशियली पॉइंट करेगा ठीक है नाउ हमें जो है क्या करना है हमें करंट पॉइंटर हमें क्या करना है करंट पॉइंटर के नेक्स्ट में डालना है प्रीवियस पॉइंटर ताकि मेरी लिंकिंग जो है वो रिवर्स हो जाए बिटवीन एवरी टू नोट्स एंड मुझे तीनों पॉइंटर्स को एंड मुझे क्या करना है मूव ऑल थ्री पॉइंटर्स बाय वन स्टेप अहेड कह तो ये दो चीजें मुझे करनी है अब ये मुझे दोनों चीजें करनी है लूप में और वो लूप कब तक चलेगा वो मैंने आपको बताया वो लूप तब तक चलेगा जब तक मेरा करंट पॉइंटर जो है वो नल तक नहीं पहुंच जाता जब मेरा करंट पॉइंटर नल पे होगा तो मेरा प्रीवियस पॉइंटर होगा मेरे लास्ट नोड पे जो कि मुझे रिवर्स करना था व्हिच विल गिव मी माय न्यू हेड राइट तो तो हम एक व्हाइल लूप लगाएंगे कि जब तक हमारा करंट पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू नल तब तक वी विल कीप रिपीटिंग दीज टू स्टेप राइट नाउ ये जो है करंट पॉइंटर के नेक्स्ट में प्रीवियस पॉइंटर डालना इससे पहले हमें एक स्टेप करना था क्या कि करंट पॉइंटर का जो नेक्स्ट है वो हम स्टोर कर लेंगे ठीक है बाय यूजिंग अनदर पॉइंटर विच इज नेक्स्ट ठीक है तो हम एक और पॉइंटर बनाएंगे यहाँ पे नोट स्टार नेक्स्ट पॉइंटर विच टू माई करंट नोड का नेक्स्ट नोड ठीक है और ये मैं इसलिए करी क्योंकि मैं यहाँ पे करंट नोड के नेक्स्ट की जो लिंकिंग है वो चेंज कर रही हूँ तो आई विल हैव टू कीप ट्रैक ऑफ माई जो इनिशियली करंट नोड का नेक्स्ट नोड था उसको ट्रैक करने के लिए आई एम मेकिंग दिस न्यू पॉइंटर विच इज नेक्स्ट पॉइंटर ठीक है तो मैंने जो है करंट पॉइंटर के नेक्स्ट में प्रीवियस पॉइंटर डाल दिया अब क्या करना है मुझे सारे तीनों जो मेरे पॉइंटर्स हैं उनको एक एक स्टेप से आगे बढ़ाना है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मेरा प्रीवियस पॉइंटर जो है एंड मेरा करंट पॉइंटर जो है वो आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंटर ठीक है और नेक्स्ट पॉइंटर जो है वो करंट पॉइंटर का नेक्स्ट होगा वो मैंने यहाँ पे हमने आ, अपनी लूप के फर्स्ट स्टार्टिंग में लिख दिया ठीक है तो एवर दिस लूप स्टार्ट एंड करंट पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू नल तो हम नेक्स्ट पॉइंटर में डाल देंगे करंट पॉइंटर का नेक्स्ट ठीक है नाउ व्हेन दिस लूप एंड्स व्हेन दिस लूप एंड्स तो हमारा प्रीवियस पॉइंटर वुड बी पॉइंटिंग टू pointing to my last node, which is my new head. ठीक है तो अगर हम एक नया नोट बना ले पॉइंटर बना ले नोट स्टार न्यू हेड इज इक्वल टू तो प्रीवियस पॉइंटर ठीक है एंड आई कैन रिटर्न new

and uh, let's print this, uh, let's run this and print the result. तो अभी जो है हमारी linked list में five elements हैं and हमें क्या करना है हमें reverse linked list करना है जहाँ pe हम अपनी लिंक लिस्ट का हेड जो है वो पास कर रहे होंगे Now दिस फंक्शन वुड बी रिटर्निंग us द न्यू हेड राइट तो लिंक लिस्ट का जो head है right? का हेड में हम जो न्यू हेड है उसको स्टोर कर लेंगे ठीक है एंड से ठीक है तो मैं यहाँ पे कोई नई लिंक लिस्ट नहीं बना रहे हैं आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल जो हमारी गिवन लिंक लिस्ट है उसी में हम जो लिंकिंग है बिटवीन एनी टू नोट उसको रिवर्स कर रहे हैं एंड एक न्यू हेड जो हमारा आएगा जो कि पहले हमारा लास्ट नोट था वो हमारा फर्स्ट नोट बन जाएगा तो वो हमें दे देगा हमारा न्यू हेड ऑफ माई लिंक सो दिस वॉज माई लिंकलेट जो मेरा इनपुट था एंड दिस इज माय रिजल्ट सो मेरी लिंकलिस्ट जो है वो यहाँ पे रिवर्स हो गई है नाउ this was one way to reverse my linked list uh, the iterative way to do this क्या हम इसको recursion की help से भी कर सकते हैं क्योंकि हम यहां पे एक ही काम repeatedly कर रहे हैं जो भी दो हर दो नोट्स के बीच की जो लिंक है उसको हम रिवर्स कर रहे हैं तो कैन वी मेक यूज ऑफ रिकर्शन हियर लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी आइडिया आ रहा है कि इसको प्रिकॉशन से कैसे कर सकते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे रुकें और एक बारी खुद सोचें कि इसको कैसे हम कर पाएंगे अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि कैसे हम इसको कर पाएंगे तो एक बार आई वुड से कि पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू थिंक कि हाउ वी कैन डू दिस वरना लेट्स सी दिस टू सो मेरी लिंक लिस्ट जो है मुझे कुछ ऐसी है इनिशियली राइट right. एंड इसको जो है मुझे रिवर्स करना है नाउ आई से कि रिकर्शन से जब भी रिकर्शन रिकर्सिव सोल्यूशन जब भी हम सोचते हैं किसी प्रॉब्लम का तो हम ये सोचें कि सम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो है हमें वो रिकर्शन करके दे देगा बाकी को हमें कैसे सॉल्व करना है वो हमें सोचना है ठीक है तो हम यहाँ पे ज्यूम करते हैं कि अगर एन नोड्स हैं ठीक है तो एन माइनस वन को रिकॉर्शन जो है हमें रिवर्स करके दे देगा ठीक है लेट्स कि अगर ये हमारा हेड है तो हेड के नेक्स्ट के बाद की जो भी लिंकलिस्ट है वो हमें रिकॉर्शन जो है रिवर्स करके दे रहा है तो अगर रिकॉर्शन हमें इस पार्ट को सिर्फ इस पार्ट को रिवर्स करके देता है तो हाउ वुड आर लिस्ट लुक लाइक इफ दिस गेट्स रिवर्स तो हमारी लिंक लिस्ट जो है वो कुछ ऐसी होगी या फिर टू इमेजिन दिस बेटर let's से हमारी लिंक लिस्ट ऐसी होगी ठीक है जहां पे जो सारे लिंक्स हैं वो मैंने चेंज कर दिए यहाँ पे दिस पार्ट ऑफ माई लिंक लिस्ट हैज बीन रिवर्स यूजिंग recursion। मुझे क्या करना है मुझे जो है ये लिंकिंग जो है वो चेंज करनी है ठीक है दिस लिंकिंग बिटवीन वन एंड टू जो कि मैं कर सकती हूँ कैसे अभी ये जो है one, मेरा जो है है वन मेरा हेड पॉइंट कर रहा होगा हेड को तो हमने कहीं चेंज नहीं किया जो हमारी ये लिंक लिस्ट है इसको रिवर्स करके हमें एक न्यू हेड जरूर मिल रहा होगा ठीक है जो कि फाइव को पॉइंट कर रहा होगा न्यू हेड ठीक है तो रिकॉर्शन क्या है कि हमें इस पार्ट को रिकर्शन हमें इस पार्ट को रिवर्स करके देगा एंड हमें रिटर्न करेगा न्यू हेड ठीक है जो कि इस पार्ट ऑफ लिंक लिस्ट को रिवर्स करके जो भी हमारा न्यू हेड बनेगा वो हमें रिटर्न कर देगा ठीक है अब मुझे क्या करना है मुझे इन दोनों की लिंकिंग जो है वो रिवर्स करनी है टू के नेक्स्ट में आना चाहिए वन नाउ हाउ डू आई एक्सेस टू दैट इज द क्वेश्चन ठीक है मेरे पास फाइव को तो पॉइंट कर रहा है न्यू हेड एंड वन को पॉइंट कर रहा है head. टू को मैं कैसे एक्सेस कर सकती हूँ टू को मैं एक्सेस कर सकती हूँ यूजिंग दिस हेड कैसे अगर मेरा ये हेड है तो ये मेरा होगा हेड का नेक्स्ट ठीक है अभी हेड के नेक्स्ट के नेक्स्ट में आई हैव नो नो नोड ठीक है हेड का नेक्स्ट का नेक्स्ट इज नॉट पॉइंटिंग टू एनी नोड तो मैं क्या करूंगी हेड के नेक्स्ट के नेक्स्ट में आई विल से ड के नेक्स्ट के नेक्स्ट में दैट दीन्स टू के नेक्स्ट में पॉइंट करवा दो हेड ठीक है तो क्या होगा टू का नेक्स्ट टू का नेक्स्ट वुड पॉइंट टू वन तो ये मेरी जो है लिंक क्रिएट हो गई ये वाली लिंक को अभी हमने चेंज नहीं किया हेड के नेक्स्ट को हमने बस हेड के नेक्स्ट के नेक्स्ट में टू के नेक्स्ट में डाल दिया है ठीक है तो मेरी ये वाली जो लिंक है तो दूसरे कलर से दिखा देते हैं दिस लिंक हैज बिन एडेड ठीक है और ये वाली जो लिंक है ये मेरी इंटैक्ट है नाउ हेड के नेक्स्ट नेक्स्ट में हमने हेड डाल दिया अब दिस हेड जो हमारा करंटली हेड है जो कि वन है ये किसको पॉइंट करना चाहिए इसके नेक्स्ट में क्या आना चाहिए इसके नेक्स्ट में आना चाहिए नल क्योंकि ये जो वन है इट शुड नाउ पॉइंट टू नल बिकॉज दिस इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ माई लिंकलेस ठीक है आफ्टर रिवर्सिंग तो हम क्या करेंगे इसके नेक्स्ट में डाल देंगे नल तो आई विल से वन का जो नेक्स्ट है तो ये वाली हमारी लिंक जो है वो हट जाएगी विल से वन के नेक्स्ट में डाल दो नल और वन को मैं कैसे एक्सेस कर पा रही हूँ थ्रू हेड पॉइंटर तो हेड के नेक्स्ट में डाल दो नल हेड के नेक्स्ट में डाल दो नल तो हमने यहाँ पे क्या किया है तो हमने यहाँ पे क्या किया है हम जो है हेड के नेक्स्ट हेड के नेक्स्ट जो हमारी इनिशियली लिंक लिस्ट है उसके नेक्स्ट को तो पास कर देंगे अपने रिकर्सिव फंक्शन में हम एज्यूम करे कि जो ये एन माइनस वन नोट्स हैं हेड के नेक्स्ट से स्टार्टिंग दिस इज हेड का नेक्स्ट उससे स्टार्टिंग की जो लिंक लिस्ट है वो हमें रिकॉर्शन जो है वो रिवर्स करके दे देगा ठीक है फाइव के नेक्स्ट में होगा फोर फोर के नेक्स्ट में होगा थ्री थ्री के नेक्स्ट में होगा टू और टू के नेक्स्ट में जो होगा वो होगा नल ठीक है टू इज नॉट पॉइंटिंग टू एनी नो इट पॉइंटिंग टू नल नाउ माई न्यू हेड इजर ठीक है जो कि मुझे रिटर्न करेगा मेरा रिकर्सिव फंक्शन और मेरा जो पुराना इनिशियल हेड था वो अभी यहीं पे है उसको मैंने चेंज नहीं किया ठीक है तो अब मुझे फिगर आउट करना है कि ये वन और टू के बीच की जो लिंकिंग है उसको मैं कैसे रिवर्स तो बाय हेड का नेक्स्ट एंड उसके नेक्स्ट में मैं डाल दूंगी हेड ठीक है तो हमारी ये वाली लिंक आ गई एंड देन हेड के नेक्स्ट में चला जाएगा नल क्योंकि हमारा हेड जो इनिशियली हेड था जो इनपुट लिंकलिस्ट का हेड था वो मेरा अब लास्ट नोड बन जाएगा आफ्टर रिवर्सिंग तो उसके नेक्स्ट में डाल देंगे हम नल ठीक है एंड वी विल रिटर्न अब माई न्यू हेड ठीक है सो so, इसका रिकर्सिव सोल्यूशन जो है वो देखते हैं हम नोड स्टार रिवर्स लिंकलिस्ट यूजिंग रिकर्शन ठीक है So, यहाँ पे अगेन हमें अपनी लिंक लिस्ट का हेड मिल रहा होगा जो हमारी इनपुट लिंक लिस्ट होगी तो सबसे पहले अपना रिकर्सिव केस जो है वो लिख लेते हैं रिकर्सिव केस में हम क्या करेंगे हम अपने रिकर्शन फंक्शन को कॉल करेंगे फॉर हेड का नेक्स्ट तो हेड के नेक्स्ट नोड से जो एन माइनस वन नोड होंगे उसको रिकर्शन जो है हमें रिवर्स करके दे रहा है ठीक है एंड इट विल बी रिटर्निंग अस सम न्यू हेड इट विल बी रिटर्निंग अस सम न्यू हेड अब हमें क्या करना है हेड के नेक्स्ट के नेक्स्ट में हमें डालना है हेड ठीक है हेड जो हमारा इनिशियली हेड जिसको पॉइंट कर रहा था उसके नेक्स्ट में जो टू होगा हमारे एग्जांपल में टू के नेक्स्ट में हमने पॉइंट करवा को पॉइंट करवा दिया टू हेड विच वॉज वन ठीक है एंड देन हेड के नेक्स्ट में क्या होगा हेड के नेक्स्ट में होगा नन ठीक है क्यों क्योंकि हेड इज नाउ पॉइंटिंग टू लास्ट नोड इन रिवर्स्ड लिंक लिस्ट ठीक है तो हेड के नेक्स्ट में चला जाएगा नल एंड हम रिटर्न कर सकते हैं न्यू हेड तो ये हमारा हो गया बेस रिकर्सिव केस अब आते हैं अपने बेस केस पे तो हमारा बेस केस क्या होगा इस केस में जब हमारे पास सिर्फ एक नोड है हमारी लिंक लिस्ट में तो तब क्या कुछ रिवर्स करके चेंज होगी हमारी लिंक लिस्ट नहीं एंड अगर हमारी लिंकलेट एम टी है एक भी नोड नहीं है तब भी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है बेस केस क्या हो जाएगा कि अगर हमारा हेड जो है वो इक्वल टू नल है या फिर हमारा हेड का नेक्स्ट इक्वल टू नल है ठीक है विच विल बी द केस जब हमारे लिस्ट में सिर्फ एक नोड है तो हेड का नेक्स्ट नल होगा तो उस केस में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है हम सिर्फ हेड को रिटर्न कर देंगे ठीक है सो दिस विल बिकम आर बेस केस तो आई होप कि ये रिकर्सिव सोल्यूशन जो आप लोगों को समझ में आ गया अगर आपको अभी भी थोड़े से डाउट्स हैं तो आई वुड से कि इसका फंक्शन स्टैक जो था रिकर्सिव स्टैक वो बना के देखो कि कैसे कैसे ये रिकर्शन कॉल्स लग रही हैं फॉर ईच ऑफ दी नोट्स तो आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि हाउ दिस रिकर्शन इज हेल्पिंग आर रिवर्सिंग आर लिंक लिस्ट ठीक है And here, let's change this to, and now let's change this to the recursive function, and uh, we are getting the same output. Our reverse okay. So this is. टू वेज जिससे हम अपनी लिंकलिस्ट को रिवर्स कर सकते हैं यूजिंग मेथड एंड यूजिंग रिकर्सिव मेथड एंड आपको दोनों ही सोल्यूशन जो है वो पता होने चाहिए है, ठीक है यू कैन बी आज दीज इन इंटरव्यूज हमारे सोल्यूशन पे सॉरी uh, क्वेश्चन पे विच इज गिवन द हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट रिवर्स नोट्स ऑफ द लिस्ट के एट अ टाइम एंड रिटर्न द मॉडिफाइड लिस्ट ठीक है तो ये जो है ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है लिंक लिस्ट में uh, काफी जगह जो है देखा जाता है पूछा जाता है सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एंड दिस इज सिमिलर टू वट वी बिफोर जहाँ पे हम पूरी लिंक लिस्ट को रिवर्स कर रहे थे अब इस क्वेश्चन में क्या है हमें सिर्फ के नोड्स को रिवर्स करना है मतलब कि अगर मेरी लिंक लिस्ट है ठीक है एंड मुझे गिवन है के इज इक्वल टू टू तो मुझे सिर्फ दो दो नोट्स को रिवर्स करना है तो आई विल रिवर्स दीस टू नोट्स देन दीज टू नोट्स एंड देन दीज टू नोट्स ठीक है तो मेरी लिंक लिस्ट जो आएगी वो आएगी क्या टू वुड बी पॉइंटिंग टू वन टू और वन को मैंने रिवर्स कर दिया देन फोर वुड बी पॉइंटिंग टू थ्री फोर और थ्री को रिवर्स कर दिया एंड देन सिक्स वुड बी पॉइंटिंग टू उटपुट right, so यहीं पे अगर मेरी के की वैल्यू थ्री होती 3 होता यहीं पे अगर मेरी k की वैल्यू थ्री होती ठीक है तो क्या होता आई विल अ टाइम तो फर्स्ट थ्री नोट्स को मैं रिवर्स करूंगी फर्स्ट थ्री नोट्स को एंड देन नेक्स्ट थ्री नोट को मैंने रिवर्स कर दिया फोर फाइव सिक्स जो ये लिंकलिस्ट है इसको मुझे रिवर्स करना है सो इटव सिक्स फाइव एंड फोर ठीक है सो ऐसे जो है हमारा आउटपुट आना चाहिए डिपेंडिंग ऑन दी वैल्यू ऑफ के दैट इज गिवन टू अस तो इसको समझने की कोशिश करते हैं यूजिंग के इज इक्वल टू टू वैल्यू ठीक है एंड uh, फिर हम उसको जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे अगेन हम रिपीटेडली के नोड्स के लिए अपनी लिस्ट को रिवर्स करें ठीक है हर के नोट्स के लिए हम अपनी को रिवर्स तो व्हाट इफ हम यहाँ पे अगेन रिकर्शन को यूज करें फॉर रिवर्सिंग तो अगर मैं फर्स्ट जो के नोट्स हैं उनको मैं रिवर्स कर लूँ ठीक है या फिर using the recursive method, that is, Uh, तो अगर मैं अपने फर्स्ट के नोड्स को रिवर्स कर लूँ, ठीक है आई कैन यूज द आइट्रिट मेथड टू रिवर्स माय के नोड्स एंड बाकी जो के प्लस वन से लेके लास्ट नोड तक जो मेरी लिंक है उसको मैं रिकर्सिवली रिवर्स करवा लूं ठीक है K so K के नोड्स अ टाइम तो व्हाट आई एम सेइंग इज की फर्स्ट के नोड्स के अलावा जो बाकी ऑफ द लिंक लिस्ट है उस वो जो है मेरा रिकर्सिव फंक्शन मेरे को रिवर्स करके दे रहा है के नोड्स एट अ टाइम तो मेरी लिंक लिस्ट जो कैसी होगी सो so, थ्री और फोर जो है वो हो रिवर्स हो जाएंगे ऐसे एंड सिक्स और फाइव रिवर्स हो जाएंगे ऐसे ठीक है सो so, यहाँ पे मेरे यहाँ पे मेरे के प्लस वन से लेकर लास्ट नोड तक मैंने रिवर्स कर लिया K एट अ के, के नोट एट अ टाइम यूजिंग रिकर्शन ठीक है अब मेरी रेस्ट ऑफ द लिंक लिस्ट क्या है ऐसी एंड टू जो है वो अभी भी पॉइंट कर रहा होगा टू थ्री ठीक है सो ये समझ में आ रहा है आपको कि अगर मैंने दिस पार्ट ऑफ द लिंक लिस्ट को रिकर्शन मैंने अज्यूम कर लिया कि रिकर्शन जो है इस पार्ट ऑफ लिंक लिस्ट को रिवर्स कर रहा है एट अ टाइम तो मेरी लिंक लिस्ट जो है वो कुछ ऐसी हो गई मेरी रेस्ट ऑफ लिंक लिस्ट जो फर्स्ट के नोड्स हैं वो एज इट इज हैं अभी एंड पे पॉइंट कर रहा है थ्री को ठीक है टू यहाँ पे थ्री को पॉइंट कर रहा था तो ये वाली जो लिंक है ये अभी हमने चेंज नहीं करी है ठीक है तो अब मुझे क्या करने की जरूरत है मेरे को इतना पार्ट जो है रिकर्शन ने करके दे दिया अब मुझे क्या करने की जरूरत है मुझे एक तो टू और वन के बीच की जो लिंक है उसको रिवर्स करना है मतलब फर्स्ट के नोड्स जो है उनको रिवर्स करना है एंड मुझे एक और चीज करनी है अब यहाँ पे फर्स्ट के नोड्स को रिवर्स करने के लिए फर्स्ट के नोड्स को रिवर्स करने के लिए आई कैन यूज माय ट्रेटिव मेथड जहां पे मैं तीन नोड्स का इस्तेमाल कर रही थी ठीक है सो टेक थ्री पॉइंटर्स करंट

प्रीवियस विल नाव पॉइंट जहाँ पे मेरा करंट पॉइंटर था और करंट पॉइंटर मेरा वहाँ आ जाएगा जहाँ पे मेरा नेक्स्ट पॉइंटर था और मेरा नेक्स्ट पॉइंटर यहाँ पे क्या होगा जो करंट पॉइंटर का नेक्स्ट है जो कि यहाँ पे होगा ठीक है थ्री को पॉइंट कर रहा होगा क्योंकि टू के नेक्स्ट में थ्री है ये वाली जो लिंक है ये अभी चेंज नहीं हुई है इसलिए टू इज स्टिल पॉइंटिंग टू थ्री नाउ अगेन करंट के नेक्स्ट में हमने डालना है प्रीवियस तो आई विल से करंट के नेक्स्ट में हमने डाल दिया प्रीवियस ठीक है नाउ दोबारा अपने नोट पॉइंटर्स को एक स्टेप से आगे बढ़ाएंगे तो मेरा प्रीवियस पॉइंटर जो है वो आ जाएगा इधर माय प्रीवियस पॉइंटर कम हियर एंड मेरा करंट पॉइंटर जो होगा वो इधर आ जाएगा बट यहाँ पे मुझे करंट पॉइंटर से फर्क नहीं पड़ता एंड क्यों क्योंकि अब जो है मेरे के नोट्स जो है वो रिवर्स हो सकते हो चुके हैं तो जब हम आइट्रेटिव वे में रिवर्स कर रहे थे तो हमने वाइल्ड लूप में कंडीशन कहती थी कि जब तक हमारा करंट पॉइंटर जो है वो नल नहीं हो जाता तब तक हम अपना जो है रिवर्स करते रहेंगे हर दो नोट्स के बीच की लिंक लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक और कंडीशन है क्या कि हमें सिर्फ के नोट्स को रिवर्स करना है हमें पूरी लिंक को रिवर्स नहीं करना है तो हम दो कंडीशन लगाएंगे अपने बाइल लूप में कि जब तक या तो सॉरी करंट नोड जो है वो नल को ना पॉइंट कर रहा हो जब current null को पॉइंट करेगा तो मतलब कि हमारे खत्म हो चुकी है या फिर हमारे नोड्स जो है अभी तक रिवर्स नहीं हुए हमें सिर्फ के नोड्स रिवर्स करने ये इंपॉर्टेंट है बात रखना कि हम सिर्फ पहले के नोड्स रिवर्स कर रहे हैं बाकी की जो लिस्ट है वो हमें रिकर्शन करके दे रही है ठीक है तो यहाँ पे जैसे ही हमारा प्रीवियस पॉइंटर जो है टू पे आ रहा है हमें पता है कि हम काउंट कर लेंगे कि हमारे दो जो है आ, के सॉरी के नंबर ऑफ नोट्स जो है वो रिवर्स हो गए यहाँ पे अब के नंबर ऑफ नोट्स जैसे ही रिवर्स हो जाते हैं तो वी विल स्टॉप ठीक है अब मुझे क्या करना है टू और वन ये जो मेरी लिंक लिस्ट थी फर्स्ट के नोट्स की इसको मैंने रिवर्स कर दिया अब मुझे कनेक्ट करना है इस लिंक लिस्ट को और ये लिंक लिस्ट जो कि मुझे रिकर्शन फंक्शन है रिटर्न के लिए ठीक है अब यहाँ पे टू इज पॉइंटिंग टू वन ना वन शुड बी पॉइंटिंग टू फोर ठीक है अब वो वाली चेंज हम कैसे करेंगे फोर को हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं कि जब हमारा जब हमारा इस पार्ट को रिकर्स Recurs, रिकर्सिवली हम रिवर्स करेंगे के नोट एट अ टाइम तो हमारी ये लिंक लिस्ट आई थी ये जो लिंक लिस्ट है इसका हेड कहाँ होगा एट फोर ठीक है सो so फोर्थ जो है हमें एक न्यू हेड पॉइंटर हमें मिल जाएगा दैट विल बी पॉइंटिंग टू फोर ठीक है विच इज जो हमारे रिकर्सिव फंक्शन हमें रिवर्स करके दिया है लिंक लिस्ट उसका हेड नाउ वन को कैसे हम एक्सेस कर पाएंगे वन पे है हमारा हेड जो हमारे ओरिजिनल जो हमारी इनपुट लिंक लिस्ट थी उसका जो हेड था, एट तो हम बोलेंगे कि हेड के नेक्स्ट में डाल दो न्यू हेड हेड के नेक्स्ट में डाल दो न्यू हेड यानी कि ये जो है लिंक चेंज हो जाएगी एंड वन बी पॉइंटिंग टू वन एंड वन इज पॉइंटिंग टू फोर विच इज आर न्यू हेड एंड मेरा जो अब न्यू हेड बनेगा अपनी कंबाइन करके दोनों लिस्ट को जो अब न्यू हेड बनेगा लिस्ट का वो क्या होगा दैट विल बी गिवन बाय दैट विल बी गिवन बाय प्रीवियस राइट तो माय न्यू हेड नाउ विल बी दिस विच विल बी गिवन बाय माय प्रीवियस पॉइंट ठीक है तो अब जो है हमारी लिस्ट जो है वो रिवर्स हो गई है के नोट एट अ टाइम देख पा रहे हो आप लोग टू वन देन फोर थ्री एंड देन फाइव दैट इज आर लिस्ट इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूं टू वन एंड टू पे है हमारा न्यू हेड जो कि हम रिटर्न कर देंगे ठीक है सो दिस इज हाउ वी कैन रिवर्स द नोड्स ऑफ द लिंकलेस के एट अ टाइम जहां पे हम पहले के नोड्स को जो है रिवर्स कर रहे हैं और बाकी जो की जो लिंक लिस्ट है वो हमें रिकॉर्शन जो है रिवर्स करके दे रही है एट अ टाइम हमने क्या लास्ट में क्या किया हमने बस जो हमारी फर्स्ट के नोट्स को जो हमने रिवर्स करके लिंक लिस्ट आई और जो बाकी जो रिकॉर्शन ने हमें रिवर्स करके दी लिंक लिस्ट उन दोनों को हमें बस कनेक्ट करना है एंड वी हैव टू रिटर्न द न्यू हेड विल बी गिवन गिवन अस अस टू बाय द प्रीवियस पॉइंटर ठीक है तो इसको कोड में देखते हैं नोट स्टार रिवर्स के इन लिस्ट जहां पर हमें एक तो हेड मिल रहा होगा लिस्ट का और एक के वैल्यू भी मिल रही होगी ठीक है जहां पे हमें के नोट्स एट अ टाइम रिवर्स करने हैं ठीक है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे फर्स्ट के नोट्स को हम रिवर्स कर लेते हैं तो उसके लिए हमें तीन पॉइंटर्स बनाने पड़ेंगे सबसे पहले जो पहले दो पॉइंटर्स होंगे वो होंगे नोट स्टार प्रीवियस पॉइंटर प्रीवियस पॉइंटर जो कि इनिशियली नल को पॉइंट कर रहा होगा एंड नोट स्टार करंट पॉइंटर जो कि हेड को पॉइंट कर रहा होगा ठीक है एंड हमें एक और यहाँ पे वेरिएबल बनाना पड़ेगा काउंटर ठीक है जो कि स्टार्ट हो रहा होगा जीरो से एंड ये काउंटर से हम ट्रैक करेंगे कि हमें सिर्फ के नोड्स जो है रिवर्स कर रहे हैं शुरू के ठीक है तो हमारे वाई लूप में हम कंडीशन लगा देंगे कि जब तक हमारा करंट पॉइंटर या तो नल नहीं हो जाता या फिर हमारा काउंटर वैल्यू यहाँ पे हमें एंड लगाना पड़ेगा कि दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू होनी चाहिए तो हमारा करंट पॉइंटर जो है वो नल नहीं होना चाहिए और हमारा काउंटर जो है वो लेस देन के होना चाहिए क्योंकि हमें सिर्फ के नोड्स फर्स्ट के नोड्स रिवर्स करने हैं ठीक है थीके? दिस इज फॉर काउंटिंग फर्स्ट के नोड अब यहां पर हमें में कैसे करना है रिवर्स ये हमने ऑलरेडी देख लिया हम सबसे पहले एक नोड स्टार नेक्स्ट पॉइंटर बना देंगे ठीक है जो कि करंट पॉइंटर के नेक्स्ट नोड को स्टोर कर रहा होगा एंड uh, अब हम करंट पॉइंटर के नेक्स्ट में डाल देंगे अपना प्रीवियस पॉइंटर तो करंट पॉइंटर करंट नोड जो है हमारा और जो प्रीवियस नोड है उनके बीच की जो लिंक है उसको हमने रिवर्स कर दिया एंड अब हमें तीनों नोड्स को जो है वो आगे बढ़ाना है तो हमारा प्रीवियस पॉइंटर विल नाउ कम वेयर आर करंट पॉइंटर वॉज एंड आर करंट पॉइंटर विल कम वेयर आर नेक्स्ट पॉइंटर वॉइज ठीक है इसके साथ साथ एक और चीज़ जो हमें करनी पड़ेगी हमारे काउंटर की वैल्यू को हमें बढ़ाना पड़ेगा ठीक है सो वेन दिस लूप एंड वेन दिस लूप एंड तो या तो हमारी लिस्ट जो है वो ख़त्म हो चुकी होगी या फिर हमने फर्स्ट के नोट्स को अपनी लिंक लिस्ट के उसको रिवर्स कर लिया है ठीक है नाउ हमें क्या करना है रेस्ट ऑफ द जो नोड्स हैं आफ्टर फर्स्ट के नोड्स के बाद के जो भी नोड्स हैं उनके लिए हमें अपने रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करना है ठीक है सो आई विल कॉल रिवर्स अब यहाँ पे मुझे कैसे पता चलेगा कि जो के प्लस वन नोड है जो के प्लस वन नोड है वो कैसे मैं एक्सेस कर सकती हूँ इसके लिए यहाँ पे वापस देखिए कि जब मैंने यहाँ पर टू और वन को जो है रिवर्स कर दिया ठीक है तो यहाँ पे क्या हुआ था कि हमारा प्रीवियस पॉइंटर जो है वो इधर था राइट हमारी दोबारा देखते हैं हमारी लिंक लिस्ट जो है वो ऐसी थी ठीक है जहां पर हमने टू और वन के बीच का जो लिंक है उसको चेंज कर दिया एंड हमारा प्रीवियस जो है पॉइंटर वो जैट टू एंड हमारा करंट पॉइंटर कहाँ था वो जैट थ्री राइट आफ्टर वी रिवर्स क्योंकि अभी जो है हमने ये वाली लिंक जो है वो चेंज नहीं करी थी तो उसके लिए एक बार यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम जो है पहले जो है फर्स्ट के नोट्स को रिवर्स कर रहे हैं और फिर बाकी ऑफ द लिंक लिस्ट के लिए रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर रहे हैं ठीक है सो सपोज हमारी लिंक लिस्ट जो है वो सो so सपोज हमारी लिंक लिस्ट में हमने अभी से फर्स्ट के नोड्स को रिवर्स किया है ठीक है तो हमारी रेस्ट ऑफ द लिंक लिस्ट क्या है अभी वो ऐसे ही है अभी हमने रेस्ट ऑफ द लिंक लिस्ट में कोई चेंजेस नहीं करे हैं लेकिन यहाँ पे टू जो है वो थ्री को पॉइंट कर रहा होगा क्योंकि इस लिंक को हमने तो उसके लिए एक बार यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या करें कि पहले हम फर्स्ट के नोट्स को रिवर्स करें और फिर रेस्ट ऑफ दिंक लिस्ट को रिकर्सिवली सॉल्व करवा रहे हैं तो अगर मैं यहाँ पे तीन पॉइंटर्स का इस्तेमाल कर रही थी ठीक है जो कि करंट प्रीवियस और नेक्स्ट तो जब मेरी ये वाली पार्ट ऑफ द लिंक लिस्ट रिवर्स हो जाएगी ठीक है so, सो मेरी लिंक लिस्ट जो है वो कुछ ऐसी होगी अब इस टाइम पे मेरा करंट पॉइंटर वो इधर होगा सॉरी मेरा प्रीवियस पॉइंटर इधर होगा ऑन माय लास्ट डोट राइट और वन वुड बी पॉइंटिंग टू नल ठीक है और मेरा जो करंट पॉइंटर होगा वो कहाँ होगा थ्री पे राइट ये वाली जो लिंक है इसको रिवर्स करने से पहले मैं नेक्स्ट नोड को करंट उससे पॉइंट करवा रा लूंगी राइट सो so, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं पहले के नोड्स को रिवर्स कर रहे हैं iteratively और फिर रेस्ट ऑफ द लिंक के लिए रिकर्सन फंक्शन अपना कॉल कर रहे हैं ठीक है तो अगर हम पहली जो के नोड्स हैं उनको आइट्रेटिवली रिवर्स करें यूजिंग थ्री पॉइंटर्स हमारा प्रीवियस पॉइंटर करंट पॉइंटर और नेक्स्ट पॉइंटर तो क्या होगा सबसे पहले हम करंट पॉइंटर के नेक्स्ट की जो लिंक है उसको चेंज करेंगे करंट के नेक्स्ट में डालेंगे प्रीवियस ठीक है तो यहाँ पे प्रीवियस इनिशियली नल को पॉइंट कर रहा होगा तो नाउ वन इज पॉइंटिंग टू नल फिर उसके बाद हम तीनों जो पॉइंटर्स हैं उनको आगे बढ़ाएंगे तीनों पॉइंटर्स को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा करंट पॉइंटर आ जाएगा इधर प्रीवियस पॉइंटर आ जाएगा इधर और नेक्स्ट पॉइंटर आ जाएगा इधर अब दोबारा करंट के जो नेक्स्ट है उसमें डाल देंगे हम प्रीवियस ठीक है सो अब अगर हम तीनों पॉइंटर्स को आगे बढ़ाएं तो मेरा प्रीवियस विल कम हियर माय करंट विल कम हियर एंड माय नेक्स्ट विल कम हियर

अपना रिकर्सिव फंक्शन कॉल करना है तो इस पार्ट ऑफ द लिख लिस्ट का जो हेड होगा वो मैं कैसे एक्सेस कर सकती हूँ यूजिंग करंट पॉइंटर ठीक है सो माय करंट पॉइंटर जब मैंने फर्स्ट के नोट्स को रिवर्स कर लिया यहाँ पे मैंने फर्स्ट के नोट्स को रिवर्स कर लिया आफ्टर रिवर्सिंग माय फर्स्ट के नोट्स माय करंट पॉइंटर विल गिव मी के प्लस वन नोट जो मेरा था ठीक है सो so, यहाँ पे कोड में हम अपना रिकर्सिव फंक्शन कॉल करेंगे फॉर करंट पॉइंट एंड के की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी ठीक है तो जब हमारे फंक्शन हमें बाकी की लिंक लिस्ट को रिवर्स करके दे देगा टाइम तो दैट वुड रिटर्न सम न्यू हेड दैट विल रिटर्न सम न्यू हेड एंड यहाँ पे हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरा करंट पॉइंटर नल तो नहीं हो गया ये हो सकता है कि आफ्टर आई हैव रिवर्स माई के नोट उसके बाद की जो लिंकलिस्ट है वो एम टी हो ठीक है मतलब के नोट जो मैंने रिवर्स करे हैं वो दैट इज ऑल इन माई लिंक दैट आई है इफ माई करंट पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू नायल इफ माई करंट पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू नायल सिर्फ उस केस में आई विल

आई विल से हियर हेड के नेक्स्ट में डाल दो न्यू हेड हेड के नेक्स्ट में डाल दो न्यू हेड एंड मेरा जो दोनों लिंकलिस्ट को कनेक्ट करके मैंने यहाँ पे दोनों लिंकलिस्ट को कनेक्ट कर दिया दोनों लिंकलिस्ट को कनेक्ट करके जो फाइनल लिंकलेस का हेड आएगा दैट विल बी गिवन टू मी बाय माय प्रीवियस पॉइंटर ठीक है तो यहाँ पे आई विल रिटर्न प्रीवियस

यहाँ पे जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो करंट पॉइंटर विल गिवस करंट पॉइंटर विल गिवस के प्लस वन एथ नोड के प्लस नोड जो हमारा होगा वो हमें मिल जाएगा यूजिंग करंट पॉइंटर ठीक है तो करंट पॉइंटर से uh, को हेड मानते हुए हम दोबारा अपने रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं नाउ दिस रिकर्सिव फंक्शन विल बी रिटर्निंग सम न्यू हेड ठीक है जो कि k प्लस वन से लेकर जो लास्ट एंड ऑफ नोड है एंड ऑफ लिंक लिस्ट है वहाँ तक की जो uh, वो जो पूरी लिंक लिस्ट है उसको हमारे रिकर्सिव फंक्शन ने रिवर्स कर दिया k नोड ज्यादा टाइम अब जो पहले k नोड्स हैं और जो रेस्ट ऑफ द लिंक लिस्ट है इनको मुझे कनेक्ट करना है कैसे जो मेरा इनिशियल हेड था उसके नेक्स्ट में डाल दिया मैंने न्यू हेड ठीक है एंड नाउ माई प्रीवियस पॉइंटर विल न्यू हेड ऑफ कनेक्टेड लिंक लिस्ट ठीक हम कोई नई लिंक लिस्ट नहीं बना रहे है। वही है हमारी लिंक लिस्ट बस उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं किन पार्ट में पहले जो के नोड्स है वो हमारी एक लिंक लिस्ट हो गई और जो बाकी ऑफ दी लिंक लिस्ट है वो मेरी एक लिंक लिस्ट हो गई ठीक है तो बाकी ऑफ दी जो लिंक लिस्ट है उसको मैंने उसके लिए रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर दिया जो पहले के नोड्स हैं वो लिंक लिस्ट को मैंने खुद रिवर्स कर लिया और फिर लास्ट में उन दोनों लिंक लिस्ट को मैंने कनेक्ट कर दिया और उसके बाद प्रीवियस पॉइंटर जो होगा वो पॉइंट कर रहा होगा मेरे न्यू हेड ऑफ दी कनेक्टेड लिंक लिस्ट को ठीक है सो लेट्स ट्राई एंड रन दिस तो ये हमारी लिंक लिस्ट है एंड नाउ वी विल कॉल आर रिवर्स के फंक्शन जहां पे हम अपनी लिंक लिस्ट का हेड पास कर रहे हैं एंड के की वैल्यू हम टू भी पास कर देते हैं ठीक है एंड जो हमारा न्यू हेड आ रहा होगा यहाँ पे उसको लिंक लिस्ट के हेड में हम स्टोर करवा लेते हैं एंड देन एल सो दिस वाज़ आर लिंक लिस्ट एंड यहाँ पे अब टू नोड्स अच्छा टाइम जो है वो रिवर्स हो चुके हैं यहाँ पे अगर हम k की वैल्यू चेंज कर दें 2 3 एंड देन रन दिस अगेन तो क्या होगा पहले तीन नोट्स जो हैं वो रिवर्स हो गए एंड देन नेक्स्ट तीन जो नोट्स हैं वो रिवर्स हो गए लेट्स आल्सो चेक फॉर 4 तो अगर k की वैल्यू 4 है तो फर्स्ट 4 नोट्स जो हैं वो रिवर्स हो जाने चाहिए फर्स्ट 4 नोट्स हमारे रिवर्स हो गए ठीक है और बाकी के जो नोट्स हैं वो रिवर्स हो गए ठीक है सो दैट इज आवर सॉल्यूशन फॉर रिवर्सिंग k नोट्स इन आवर Link list.